कृष्ण जगताय तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अजानुलम्बितभुजौ कनिकाभदातौ सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ हे कृष्णकरुणासिन्धो दीनबन्धो जगत्पते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभाय सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय ीतामादितरङ्गमद्दै कृपा वै त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् हे श्रीसनातनप्रभुकरुणाम्बुराशि हे रूपदुर्गतजनै दयावलोकै हे भट्टजुग्मसुमती रघुनाथदास श्रीजीव विकुरुत मन्दमति दयाङ्गवरा तमतिदेवं करुणयानं तमालवर्णं सावतारम् अपार संसारं सृजेतुं मजामहागवतं स्वरूपं जनप्रवणन्तमनुपेतमपेतकृतम् द्वैपायन विरहकाकर आयुभाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिवान् त्वस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरये श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सभी को हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्री माधवक्ति श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को चरणों में यथाजुग प्रणाम करता। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे समकालीन ऋषियों ने सुत गोस्वामी को छह प्रश्न किए। छह प्रश्न में पहला प्रश्न था आत्मा को शांति कैसे, और दूसरी प्रश्न कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। इसका उत्तर में श्री सुत गोस्वामी बोले बोले एतत् निर्विद्यमानानां इच्छतां
अकूत भय जोगी नाम निप निर्मित हरि नामानुकीर्तन जितने भी पुराण उपनिषद यहाँ तक भी इतने बड़े बड़े संत हुए हैं, जितने बड़े बड़े मुक्त महापुरुष हुए हैं, सब के सब एक ही बात बताए, कलयुग में भगवान को पाने का सबसे सरल उपाय क्या है। कलियुग ते बल ना आधारा, कलियुग ते बल ना पहला लाभ है हमारी हृदय रूपी जो दर्पण है वो साफ हो जाए, क्योंकि हमारे हृदय में अनंत कालों से हम भगवान को भूल करके ये संसार की माया के चक्र में पड़े हुए। जैसे कपड़े में मैला हो उसको तो हम साबुन से साफ कर लेंगे, लेकिन हृदय में जो मैला पड़ा फिर उसको कैसे साफ कर सकते हैं। बोले भगवान का कीर्तन से ये साफ हो जाए। बोले इसका दूसरा लाभ क्या है। बोले भव महातावाद निर्वाणम, ये संसार में जितने दुख कष्ट है अगर भगवान का नाम कीर्तन से संसार का जितने सारे दुख कष्ट वो सारे दुख कष्ट समाप्त हो जाएगा। बोले तीसरा लाभ क्या। बोले श्रेय चंद्रिका वितरण, उदाहरण दिया है हमारा हृदय एक कुमुदिन, रात को एक फूल खिलता है जिसका नाम लिली फूल कुमुदिन फूल कहते हैं। मानव भगवान का जो नाम है ये चंद्रमा है, जैसे चंद्रमा का किरण पड़ने पर वो कुमुदिन फूल खिल जाती है, उसी तरह अगर हम भगवान का नाम करेंगे हमारा हृदय रूपी जो फूल है वो खिल जाएगा। जो चौथा लाभ है बोले विद्या वधु जीवनम, उदाहरण दिया कि जो विद्या है ये एक वधु बहु है, लेकिन इसका जीवन स्वरूप क्या है। बोले भगवान का नाम कीर्तन। एक बार हाथ उठा करके सबके साथ बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोले बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं विद्या का फल क्या है। कहते विद्या का फल है भगवान का नाम में रुचि होना। अगर हमने सारे शास्त्र पढ़ लिया, जगत का सारी दीक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन अगर भगवान के नाम में तुम्हारी रुचि नहीं हुई वो सब के सब जीरो है, वो सब के सब तुम्हारी जीरो है, वो पढ़ने का कोई लाभ नहीं। एक समय ध्यान दे रहे समय पता चला, एक समय कुछ एजुकेटेड कुछ स्टूडेंट थे,
वो एक नदी पार कर रहे थे नाव में बैठी करके, कोई सीए किया हुआ, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, कोई पीएचडी किया हुआ। वो नदी बड़ी लंबी चौड़ी थी, जब वो नदी नाव में बैठ करके नदी पार कर रहे थे, उसमें जो सीए किया हुआ था वो नाव वाले से पूछता है, तुमको सीए के बारे में कुछ पता है? वो नाव वाले बोले, बस सीए किया क्या होता है, हमें तो कुछ बताया नहीं, हम तो नाव चला करके 2 पैसा कमा करके पेट पालता हूँ, हमें आज पता सीए। बोले, तुम्हारे तो 25% जीवन गया बेकार। जब नाव और थोड़ी दूर गए, उसमें जो इंजीनियरिंग कर रहा था, उसने कहा, तुमको इंजीनियरिंग के बारे में तेरे कुछ पता है? बोले, भैया वो क्या चीज वो होता उसमें है? नाल बोले, जटी नहीं समझ में जानते आया, वो हो? इंजीनियर बोले, तुम्हारा तो 50% जीवन इंजीनियरिंग से। और वो थोड़ी उसमें दिन गया, जो साइंस पढ़ता था, उसने पूछा, तेरे को बस साइंस के पावर बारे में कुछ रूल पता साइंस है? ही आज तक उसमें बोले, डोंट नो भैया एनीथिंग साइंस अबाउट क्या चीज साइंस, है? बोले, तेरे को पता है नहीं? पोस्टमैन सेट आई डोंट नो एनीथिंग बोले, तेरे अबाउट को साइंस, 75% जीवन बेकार है। द साइंटिस्ट ऐसे सेड दैट यू आर करते सेवेंटी करते फाइव बीच परसेंट दरिया नाइन में बी जब बोर्न एंड नाव बेन पहुंची, वो नाव में छेद हो गया वेन और उसमें रो पानी घुसना रोज शुरू किया। उसने इन मिडिल कोशिश ऑफ की द बंद रिवर करने की, लेकिन बंद नहीं हो देयर रहा। वाज अ होल इन द रोड देखा तो वाटर नाव डूबने गैसिंग वाला। और नाव नाउ द वाला पूछ रहे हैं, बोट्समैन आस्क भैया टू तुमको तो ऑल तैरना आता दैट है? डू यू नो स्विमिंग बोले, तैरना क्या होता है? बोले, तैरना नहीं आता है। ऑल थ्री सेज आई उसने डोंट कहा, नो मेरे अबाउट को साइंस 75% जीवन बेकार गया, योर अभी हंड्रेड तुम्हारे परसेंट हंड्रेड हंड्रेड लाइफ इज परसेंट गॉन जीवन इन बंद विन बेकार गया। अभी देखते देखते नाव में पानी घुस गया, नाव तो डूब करके डूब गया, जितने सीए डॉक्टर थे ना डूब कर सब खत्म। और इसको तो तैरना आता था, छलांग लगाया और नदी पार करके चला गया। देखो संत लोग इसी कथा से हम समझा, हमें सारा दुनिया की पढ़ाई हमने करी, लेकिन एजुकेशन भगवान के नाम में तुम्हारी बट वी कोई आर रुचि नॉट नहीं है। इंटरेस्टेड इन हरि हाँ नाम बताओ, मरते समय क्या बोलते बोलते ले जाएगा? राम एग्जैक्टली नाम जो सत्य है कोई बोलेगा, तेरा सीए सच्चा है ना, डॉक्टर की सच्चा है ना, कर इज पीएच राम की नाम सच्चा है? सत्य बोलेगा, राम नाम सत्य है, गोपाल गोपाल नाम नाम सत्य सत्य है, है और सत्य बोलो बोलो गद्य सत्य है, है और सब कोई बात झूठा है। झूठा बोले, तुमने प्रभु के नाम को छोड़ करके जीवन में जो कुछ किए हो, तुमने केवल झूठे में अपना जीवन बिताया। यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ नहीं जा रहा। पत्नी रो रो करके दरवाजा कैन तक नॉट चलेगी, टेक अ सिंगल निडल परिवार रो फ्रॉम रो करके शमशान तक चलेंगे, उसको आगे साथ में कुछ भी चलने वाला नहीं। लेकिन हम लोग क्या चाहते जानते हो? हम तो अपना बेटा बेटियों को बॉलीवुड में हीरो हीरोइन बनाएंगे, हमारी बहुत बड़ा सपना है, उनको तो हीरो हीरोइन बनाए। वी वांट आप टू मेक बताओ, अवर 20 साल चिल्ड्रन पहले जो हीरो हीरो हीरोइन थे, अभी उनका नाम दुनिया में कोई ले रहा है? हनुमान जी कब आए? त्रेता युग में। ध्रुव कब आए? सत्य युग में। वाल्मीकि कब आए? करोड़ों साल पहले। देखो सारा दुनिया जिनकी नोबडी नाम नोज ले रहा है, हीरो एंड सारा हीरोइन दुनिया बट जिनकी वी आर पूजा कर रहे हैं टुगेदर अभी एंड वी तक नो ऑल द सेम्स हैं। एंड अगर डिग्रीज कहते ऑफ हैं, अगर रेप्यूटेशन प्रतिष्ठा पाना है इफ यू जगत वांट में, अगर नेम हमें एंड नाम फेम कमाने हैं, भगवान की भक्त देन यू बन हैव करके नाम टू कमाओ, बी अ जो डिवोटी ऑफ नाम लॉर्ड चिरकाल के लिए सो तुम्हारी दैट योर नेम अजय विल और रिमेन अमर हियर बन इन जाएगी। दिस वर्ल्ड फॉर इसलिए श्री एवर चैतन्य महाप्रभु कहते चैतन्य हैं, महाप्रभु सर विद्या बद्धो जीवनम्। अगर हमने जो पढ़ाई किया, इसका जीवन किया इफ है, यू हैव तो लर्न भगवान समथिंग की देन नाम है। एक यू समय शुड हैव बहुत इंटरेस्ट इन बड़ा बीइंग विद्वान नाउ था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज माँ अ स्कॉलर सरस्वती, जिसकी जीवा में बैठ करके बात करती थी। उसने सारा दुनिया को परास्त करते करते आया, लेकिन जब से एवरीबॉडी चैतन्य वाज देयर महाप्रभु के पास में आए, महाप्रभु उसको बात दैट बात की परास्त करते। उनका इवन उम्र दैट केवल नो वन 15 साल इन का नॉलेज था। हु कैन डिफीट हिम वो पंडित तो बड़ा दुखी हो गया, अगर एवरीबॉडी हम हारते तो स्टार्ट्स किसी विद्वान को पास में हारता कोई बात बट नहीं, ये चैतन्य 15 साल महाप्रभु का डिफीटेड बालों हिम को पास में मैंने परास्त कैसे होगी? उसने माँ सरस्वती मंत्र जप करते करते उनको वशीभूत कर दिया था। उसने मैया सरस्वती मंत्र की जप करते करते सो गया, लगता है मैया की चरण में कोई अपराध हो। जब सो गया, माँ सरस्वती स्वयं प्रकट होती है, बोले बेटा आज तेरे जीवन में धन्य हो गया है, क्योंकि विद्या का जो फल है भगवत प्राप्ति है। आज तुम जिनको साथ में सोलो और मिले बोलो हो वो सोलो मेरे और पति बोलो है। पति को सामने पत्नी का भी सर उठा कर बात नहीं कर सकती, तेरे जीवा में मैं बैठी करके बात करती थी, लेकिन ये गौर नारायण स्वयं है। जब मेरे पति को साथ में तुमने शास्त्रार्थ करने गया, सोलो
मैं स्वयं वहां से अंतर ध्यान हो गई और तू बड़ा हो गया बेटा। आज तुम्हारी पढ़ाई सार्थकता हो गई क्योंकि भगवान को साथ में तुम्हारी साक्षात्कार हुई। सरस्वती कहती है मेरी दो तरह की कृपा है, जिसको ऊपर मैं कृपा नहीं करती हूँ, केवल ये दुनिया की एमए पीएचडी डॉक्टर इंजीनियर बना करके कहते संसार में भी गधा बना देती, दिन भर गधा जैसे काम करते रहो, लेकिन जिसको ऊपर मैं सही कृपा करती हूँ उसको मैं भगवान तक पहुंचा देती हूँ। सरस्वती स्वयं बोले बेटा जा चैतन्य महाप्रभु के शरण में जा, माफी मांग करके उनके चरण में शरणागत होकर के भक्ति कर। फिर जब श्री चैतन्य महाप्रभु के पास में पहुंचे, देखा महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले देख बेटा कहते हैं छाड़िया चली गई विद्या व पौरुष संगे किछु नहीं चले। जब ये शरीर छूट जाती है ये जगत का जितने विद्या पौरुष साथ में कुछ भी नहीं चलेगा बेटा, सारे डिग्री डिग्री तुम्हारे यही रह जाए, साथ में कल भगवान का नाम नहीं जाएगा। इसलिए बेटा सारे अहंकार का त्याग दे, त्याग दे करके क्या करो भगवान की भक्ति करो, भजन करो, इसमें ही जीवन को शांति और सुख मिलेगा। इसलिए महाप्रभु कहते हैं विद्या का हरि नाम कीर्तन करने पर लाभ किया है विद्या मधु जीवनम, विद्या का जो जीवन स्वरूप है ये भगवान के नाम है। बोले विद्या मधु जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। बोले कीर्तन करने का पंचमा लाभ क्या है, बोले इसका पंचमा लाभ ये है प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, प्रतिपद पद में तुम्हें पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। लेकिन इसी जगत में देखना कोई भी आनंद हो वो केवल थोड़ी दिन के लिए, इस जगत में केवल थोड़ी दिन के लिए हर आनंद है, लेकिन धीरे 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 आप देखिएगा ये संसार का आनंद धीरे 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 घटते जाती है, धीरे धीरे आनंद तुम्हारी ये घटते जाएगी। देखो ये जगत में प्रेम कहाँ से शुरू होता है, फास्ट ये प्रेम शुरू होता है आई लव यू, यहीं से प्रेम शुरू होता है, कुछ इतनी बात में बल आई लीव यू, लास्ट में आई किल यू, जाकर के कोर्ट कचहरी में दिन भर कोर्ट कचहरी में। पहले जगत में पहले स्त्री कैसे लगती है, कभी ये चंद्रमुखी है, बाद में फिर सूर्यमुखी, बाद में फिर ज्वालामुखी, फिर इस जगत में कोई भी आनंद को ले लो वो थोड़ी दिन के लिए, कोई बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आ जाए, बढ़िया से बढ़िया कोई सिनेमा आए, एक बार देख लो कैसे बोले बहुत बढ़िया है, दो बार देख लो कैसे बोले अच्छा है, तीसरा बार देख लो कैसे हाँ ठीक है, चौथा बार इसी जगत में कोई भी जीव इसी दुनिया में आप देख लो कोई भी जीव धीरे धीरे घटते जाए बेटा, नहीं खो गया बेटा 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 पागल हो जाता है, कहाँ चला गया कहाँ चला गया। जब दो चार दिन बाद में बेटा मिल जाए ना फिर क्या करते हैं, बेटा तू कहाँ गया था, उसको गोद में लेकर के बेटा तू कहाँ गया था, बेटा तुम कहाँ गया था, गोद में लेकर के पागल हो जाता है। फिर बोले जाओ चलो तुम इस जगत में हर आनंद धीरे 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 वो घटते जाती है, भगवान का जो नाम कीर्तन पठरी नाम कीर्तन इसमें आनंद घटती नहीं। संत लोग तो वृंदावन में तीन भर ये माला को लेकर के ना तीन भर 24 घंटा प्रभु का नाम जप करते हैं, 24 घंटा आप लोग भी घर में होगा वो स्तुति रोज रोज घर में करते हो, कभी उसमें विरक्ति आती है, कभी विरक्ति नहीं आती, प्रभु का भक्ति ऐसे की चीज कभी उसमें विरक्ति नहीं आती है, जितने नाम लो लगेगा और ले और ले और ले,
क्योंकि जो भगवान है वो आनंद का समुद्र है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं भगवान का जो नाम है वो प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, वो प्रति पद पद में नई एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। एक दिन ऐसे आता है संपूर्ण प्रभु की भक्ति रस में हम शराब हो जाते हैं, इसलिए भगवान का नाम कीर्तन से ही जीव को परम शांति और परम आनंद आएगा। देखो हनुमान जी का नाम सुने हो, हनुमान जी का नाम देखो, हनुमान जी दिन भर क्या करते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं बोले सुमेरी पवना सुत पावनानु सुमेरी पवना सुत पावनानु सुमेरी पवना सुत पावनानु सुमेरी पवना सुत रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीता। देखो हनुमान जी तीन बार भगवान का नाम कभी देती नहीं आई ना, बल्कि जितने जप करो ना उतना आनंद उतना आनंद उतना आनंद। इसलिए बोले कलयुग में भगवान सबसे सरलता है, हाथ में जो कुछ कर ठाकुर का सुबह मांग लेगा, हाथों में तार और मोहन ठाकुर जी की नाम यही करते करते हमारे संसार से बिड़ा पार हो जाएगी। कलयुग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। हाँ एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण सबके सब लिखा लेकर जो एक बार ठाकुर का नाम लोगे ना सौ बार करने का फल मिलेगा, क्योंकि जो एकादशी भगवान की सबसे प्रिय तिथि है, इससे प्रिय तिथि ठाकुर का कुछ नहीं, इसलिए एक बार नाम करोगे तो सौ बार नाम करने का फल मिलेगा। इसलिए सबके सब जोर जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 भगवान उनको चार ही प्रतीति है, उनके चार ही तरह का भक्त है, लेकिन भगवान एक ही, लेकिन उनको चार ही तरह का भक्त भगवान को चार रूप में दर्शन करते हैं। कभी जो ज्ञानी है वो एक ही भगवान है, उसको ब्रह्म निराकार रूप में दर्शन करता है। ज्ञानी कभी जो योगी है वो अपना हृदय में एक अंगुष्ट परिमाण रूप में परमात्मा रूप में ध्यान करता है। ज्ञानी जो भक्त है वो एक ही भगवान है, उनको श्री भगवान कृष्ण रूप में राम रूप में दर्शन करता है, और जो कर्मी है वो कर्म रूप में देखता है। उनको चार भक्त उनको चार रूप में दर्शन करते हैं। एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर समझाएं। देखो ये चीज को आप अच्छे तरह से समझो, ये ज्ञान किया कर्म किया और योग किया और भक्ति किया, इसको अच्छे तरह से दिमाग लगा कर समझ लो, आप एक बहुत बड़ी चीज को समझ पाओगे। एक सुंदर उदाहरण देकर समझाएं, बोले कोई एक बड़ा दरिद्र व्यक्ति भटक रहा था,
एक बहुत बड़े ज्योतिष उसको देखा, उसको बुलाया, बोले इधर आ बेटा, बोले इनको दर दर क्यों भटक रहे हो, क्या बात है, बोले हम बड़े दुखी हैं, खाने के लिए कुछ है नहीं, बोले बेटा तेरे जो पिता है ना अरब खरब बच गए, देख बेटा तुम्हारी घर में चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तेरे पिता के सोने की कलसी में हीरे जवाहरात को ये पूर्व दिशा में दान कर देता है, लेकिन जाते समय उनको बोल नहीं पाया, लेकिन वो माल तुम्हारी घर में, लेकिन देख बेटा सावधान, ये तुम उत्तर दिशा का मिट्टी खोदना नहीं, उधर खोदोगे ना एक बहुत बड़ा जहरीले एक अजगर सर पर रहता है, अगर वो निकलेगा तो जिंदा जिंदा निकल जाएगा, लेकिन बेटा दक्षिण दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, उधर एक जक्षर रहता है, अगर वो जक्षर निकलेगा तो वो भी तुमको खत्म कर देगा, बेटा तुम पश्चिम दिशा का मिट्टी भी नहीं खोदना, फिर उधर तत्या रहते हैं, अगर खोदोगे वो तत्या निकलेगा फिर तेरे को अगर आठ दस काट लिया ना फिर जान तुम्हारी चली जाएगी, लेकिन केवल तुम पूर्व दिशा का मिट्टी खोदना, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, केवल थोड़ी सी खोदोगे उनके धन की धारी निकलेगी, सोने की कल से निकलेगा तो माला माला हो जाओ, वो बड़ा प्रसन्न हो गया, मेरे को पता चला हमारे घर में ही इतना संपत्ति है, वो गया सचमुच से पूर्व दिशा का मिट्टी थोड़ी सी हटाया तो सोने की कल से निकली, और देखा उसको अंदर में हीरे जवाहरात भरा पड़ा हुआ, और एक एक को बेचा तो अरब खरब हो गया, और माला माल एकदम चकाचक धनी हो गया, ये चीज को समझो, ये चार दिशा मतलब है ये कर्म ज्ञान योग और भक्ति, ये चार दिशाएं, कहते ये जीव जो संसार में भटक रहे हैं दुखी दुखी हो रहे हैं, कहते ये कौन है, बोले हम ही है, ये जीव है, कहते हमारी पिता कौन है, बोले भगवान है, ठाकुर जी हमारे पिता है, वो जगत पिता जगन्नाथ है, लेकिन वो जो धन इधर रखा हुआ, कहते ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा मतलब ये भक्ति, अगर प्रभु की हम भक्ति करेंगे पास फिर तो माला ही माल हो जाएगी, तो प्रभु की संतान बन जाओगे, अनंत गुण विश्व ब्रह्मांड का मालिक वो, अगर उनके संतान बन जाओगे जैसे हनुमान जी प्रभु राम के संतान बने कि नहीं, वो माला ही माल है, लेकिन कहते देखो अगर तुम उत्तर दिशा का तरफ में जाओगे, मतलब अगर तुम ज्ञान मार्ग में जाओगे ना, तो कैसे है वो एक अजगर सर्प जैसे, जैसे वो सर्प निगल लेता है, जो लोग भगवान को निराकार निर्विशेष ज्योति रूप मान करके अपना सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना चाहते हैं, वो कौन है, कि तो ज्ञानी है, वो ज्ञान का मार्ग कैसे, जब जा करके तुम अपना जब सत्ता को वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर दोगे, जैसे एक जैसे अजगर सर्प निगल लेता है ऐसे ही तुम्हारी सत्ता ही खत्म हो जाएगी, फिर मुझको भगवत भक्ति का आनंद नहीं मिलेगा, हाँ मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी तुमको, लेकिन वो स्थिति कैसे है, संपूर्ण रूप में तुम्हारी सत्ता खत्म, आनंद फानंद तुमको कुछ नहीं मिलेगा, उसमें जड़ जैसे बेहोश होकर पड़े रहो, कि देखो दक्षिण दिशा में मत जाना, कहते उधर तत्या है, तत्या मतलब कर्म, अगर तुम कर्म मार्ग में फंस जाओगे फिर इसी जगत में जन्म मृत्यु का चक्कर में तो ये 84 लाख जन्म में तुम भटकते रहो, इसी जीवन का कर्म लेकर के दूसरे जीवन में, दूसरे जीवन का कर्म लेकर तीसरे जीवन में तुम ऐसे ही दुनिया में भटकते रहोगे, और संसार में आओगे तो जिसे तत्या काटते है ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बेटा से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई ननंद से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई पति से दुखी, कोई काम से दुखी, कोई पड़ोस से दुखी, दुखी 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 दुखी, इसलिए बेटा खबरदार कि कर्म मार्ग में भी फंसना नहीं, जो दूसरा तीसरा जो मार्ग है दक्षिण दिशा, बोले ये कौन सा मार्ग, बोले ये योग मार्ग, ये योग मार्ग भी फंसना नहीं, उधर एक जग से रहता है, वो जग से तुमको मार डालेगा, मतलब अगर तुम योग मार्ग में भी जाओगे वो योग मार्ग ठीक वैसे लिए जैसे अपना सत्ता भी खत्म कर दे, लेकिन तुम किसी मार्ग में जाना नहीं, तुम पूर्व दिशा का मिट्टी खोदना, पूर्व दिशा मतलब है भगवान की
भक्ति का मार्ग है, ज्यादा तुम्हें खोदने का जरूरत नहीं, मतलब भक्ति मार्ग में ज्यादा कोई परिश्रम करने का जरूरत नहीं। भक्ति मार्ग बहुत सरल मार्ग है, इसलिए भक्ति मार्ग में जाओगे तो बास ठाकुर जी भक्ति और ठाकुर जी का प्रेम मिलेगा और तुम जीवन में मालामाल मालामाल हो जाओगे। इसलिए हमें इसी मार्ग में नहीं जा करके हमें भगवान की भक्ति के मार्ग में ठाकुर जी की प्रेम के मार्ग में जानी चाहिए। इसलिए देखो आप कभी नहीं सुने होगी कर्मी का भगवान, कोई नहीं कहता है ज्ञानी का भगवान, कोई नहीं कहता है योगी का भगवान। भगवान किसके हैं? किसका भगवान है बताओ, किसका भगवान है? भक्त का भगवान है। इसलिए भगवान का एक नाम है श्री भक्त वत्सल है। बोला श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। जय श्री राधे। इसलिए श्री सूरदास जी एक बड़ा सुंदर उदाहरण देकर के बताए, बोले सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे सब
सबके सब बड़े बड़े सेवा को तो चुन लिया, तो सबसे दो घटिया सेवा रह गई, खाने का बाद झूठा पतल को कौन उठाएगा, अब ये जुटी को न संभालेगा। कृष्ण कहते मैं संभाल, बोले क्यों, बोले भगवान केवल प्रेम का वशीभूत होकर के ठाकुर जी ये सारी सेवा ठाकुर जी करते हैं। और भगवान भगवान होकर के भी भगवान ने क्या किया, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। कहते और श्री दुर्योधन का एक सेवक था जिसका नाम था हरनाई। इसका रोज काम था दुर्योधन को शरीर में तेल लगाना और उसको स्नान करवाना। लेकिन उधर बड़ा संत से भी कोई साधु आ जाए तो वो खूब सेवा करता था। और जिस समय वो जाएगा दुर्योधन को सेवा करने के लिए, ठीक उसी समय में उसको घर में कुछ संत लोग आ गए। अभी तो वो दुविधा में पड़ गया, अभी क्या करनी चाहिए। बड़े भाग्य से संतों का सेवा मिलता है। ठाकुर स्वयं कहते हैं मैं संतों का हृदय में रहता हूँ, मेरे को खुश करना तो मेरे भक्तों को खुश कर मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। सोचा अभी मुझे क्या करनी चाहिए, अगर दुर्योधन की सेवा नहीं किया हो सकता है तो दंड भी दे सकता है, नौकरी भी चली जाएगी, अभी ये संसार कैसे पाल। वो बड़ा दुविधा में पड़ गया।
सोचा जो कुछ होगा देखा जाएगा, आज तो हम संतों की हम सेवा करेंगे। बड़े सुंदर उन्होंने खाना बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए और संतों को उन्होंने भोजन करवाए। उधर भगवान कृष्ण को चिंता लग गई, ये मेरे संतों की सेवा में लग गया, अभी इसका दुर्जतन हो सकता है, दंड दे सकता है। इधर कृष्ण स्वयं उन्होंने हर नायिका रूप धारण करते हुए श्री दुर्योधन को पास में पहुंच गया और उसको शरीर में तेल लगाना शुरू कर दिया। ठाकुर जी भगवान का हस्त स्पर्श होते ही उसका तो रोम रोम खिल उठा, आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लग गई। बोले तेरे हाथ में कोई जादू है ना किया, तो मेरे शरीर को स्पर्श करते ही पता नहीं मेरे शरीर में न जाने क्या हो रहा है, इतनी आनंद आ रही है, क्योंकि भगवान कृष्ण स्वयं वो आनंद करते रसभ से भगवान है। दुर्योधन इतना प्रसन्न हो गया, बोले जीवन में कभी मुझे इतना आनंद मिली नहीं। उसके गले में जो नवलाख हार थी ना उसको उतार करके उसको दे दिया। जब दे दिया, अभी जो हरनाई था वो संतों की सेवा करते हुए बड़े डरते डरते आया, हो सकता है मुझे कोई सजा मिले। बोला आज मैं टाइम से नहीं आ पाया, घर में कुछ संत लोग आ गए थे, आने में मेरे को देर हो गई, माफ कर देना। बोले क्यों, तुम आज मेरी इतनी सेवा इतना सेवा की, जीवन में मुझे इतना आनंद कभी मिला ही, तभी तो तेरे को मैंने कहा हार दी। बोले भैया कौन सा हार है। बोले नहीं मैं आज टाइम से नहीं आ पाया, उसको पता नहीं वो पहनाया तो कृष्ण को गला गई, वो हार अपने आप आ गया, ये हरना ही है, उसको पता नहीं गले में हार पड़ा हुआ। इतने में दुर्योधन बड़ा क्रोधित होकर के बोले ओ तेरे को मैंने इतने बड़ी हार दे दिया ना, इसलिए तेरे मन में अभिमान आ गया। दुर्योधन हार को पकड़ा और खींची में हरनाई ने सोचा भैया ये गले में हार कहाँ से आ गई, मेरे गले में कोई हार थी नहीं। खैर तो वो समझ गया भैया आज घर में संत लोग आए थे ना, हमने संतों की सेवा की ना, इसलिए ठाकुर जी आज मेरे रूप धारण करते हुए और आकर के दुष्ट दुर्योधन की सेवा की है। पर ये दुष्ट की आज से और सेवा नहीं करनी चाहिए, क्यों मेरे वजह से मेरे ठाकुर जी को आकर दुष्टों की सेवा करना पड़ा। देखो भगवान प्रेम में बसीभूत तो होकर के भक्त के लिए ठाकुर जी क्या नहीं करते हैं, ठाकुर जी सब कुछ ठाकुर जी भक्त के लिए करते हैं। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, जय श्री राधे। बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतार्यम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे जो भगवान है वो युग युग में अवतीर्ण होकर के भक्तों को पालन करते हैं, दुष्टों को संहार करते हैं। इसलिए भागवत में 26 अवतार का नाम आया। भगवान का जो सर्वप्रथम अवतार है भगवान चतुष्ण रूप में ब्रह्मा का मानस पुत्र बन करके आए। जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र को सृष्टि की उनका आदेश दी, बच्चों जाओ ये सृष्टि की तुम लोग सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये झूठे संसार में फंसना नहीं चाहते, ये संसार बड़ा दुखदायी है, हमें माफ कर दो। बोले संसार नहीं करोगे? बोले नहीं। बोले अगर संसार नहीं करोगे ना जिंदगी भर ये छोटे बन करके रहो, इससे कभी बड़े नहीं बन सकते हो। ऐसे ही रखा रहे कोई समय देखे ना उनका उम्र 5 साल से कभी ज्यादा होती नहीं, हर समय उनका उम्र 5 साल की है। बोले बहुत बढ़िया है, क्योंकि संसार में बड़ा होने पर ना सारे बोझ उनको पर, अब बच्चे तो आनंद में खेलते कूदते रहते हैं। बोले बढ़िया हो गया, हम हर समय बच्चे ही रहेंगे और हमें कोई हमारे सर पर कोई परेशानी नहीं आएगी। भगवान की जो दूसरा अवतार है भगवान बराह रूप में आए। बोले बराह रूप में कब आए? जब ब्रह्मा जी मनु महाराज का आदेश दिया ये सृष्टि का क्रम को बढ़ाओ। बोले सृष्टि तो है ही नहीं, पृथ्वी तो है ही नहीं, हम कहां से सृष्टि करें। इतने में ब्रह्मा जी छींके तो उनको नासिका से एक मच्छर जैसे प्राणी सृष्टि हुआ
और देखते देखते उन्होंने विशाल रूप धारण किया, कटिये से भगवान बढ़ा दे, उन्होंने पानी में छलांग लगाया और पृथ्वी को उन्होंने उधार करके धूरी पर स्थापन की। फिर मनु महाराज ने इस सृष्टि का क्रम को आगे उन्होंने बढ़ाया। भगवान का जो तीसरा अवतार ये श्री नारद जी के रूप में आए। ये नारद जी जगत गुरु है। अगर दैत्यों के पास में जाए बोले गुरु जी आ गए, देवता के पास में जाए बोले गुरु जी आ गए, और इंसान के पास में जाए गुरु जी आ गए। ये जगत गुरु से नारद है। अब विशेष करके नारद के चार ही चेले हुए हैं, दो बालक और दो वृद्ध है। बोले दो बालक में कौन हुए, बोले एक ध्रुव हुए और एक प्रभात। हम आगे कथा सुनेंगे। और ऐसे दो चेले हुए ना, इन्होंने 5 साल उम्र ही इनको भगवत प्राप्ति हो गई, ऐसे नारद जी कृपा रही। और दो वृद्ध चेले हुए, बोले कौन कौन, बोले एक हुए श्री वाल्मीकि। पहले ये दशरथ ना करता, इतने ब्राह्मण को उन्होंने हत्या की, उनकी जंगल से कुआ तक भी भर गया था। जब श्री नारद से मिले बोले बाबा निकालो क्या माल पानी, बोले भैया हम तो संत हैं, हमारा पास में तो लोटे सोटे और लंगूट, ये तीन चीजें, बोले जो कुछ निकालो। नारद जी ने बताया ये बताओ, तू ये जो पाप कर्म करके पैसा कमा रहे हो, ये पाप का भागीदार कौन बनेगा। बोले मेरी बीबी, मेरे बच्चे, मेरे पिता माता। बोले बेटा ये सब के सब तुम्हारे पास में सुख का समय है, दुख में कोई साथ देने वाला नहीं, कोई साथ नहीं देगा। पूछ कर गया पत्नी से पूछा, बोली जो पाप कर्म करके मैं पैसा कमा रहा हूँ, तुम इसमें भागीदार बनोगे कि नहीं। बोले क्यों, घर का काम भाई बाहर का काम तेरा, मेरे को पता नहीं तू कैसे पैसा कमाते। पिता माता से पूछे, बोले क्यों, तेरे को मैंने जन्म दे करके लिखा पढ़ा सिखाया, इतना बड़ा किया, मैंने कैसे पैसा कमाया ये मेरे को पता, तू कैसे कमा तो तेरे को पता, मेरे को पता नहीं। अभी उन्होंने बच्चों से पूछा, बच्चों ने कहा हम तो अभी छोटे बच्चे हैं, आपका कर्तव्य हमको बड़ा बनाना, बड़े बन करके हम पैसा कैसे कमाएंगे ये हमें पता है, आपका पाप हम कोई लेने के लिए तैयार नहीं। बोले नारद तो सही बता रहे, ये तो कोई पाप लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, है? इतने में उसने श्री नारद जी को पास में आए, चरण में गिर पड़े, बोले बाबा आप सही बता रहे हैं, नहीं बोल सकती, अब सब मैं बोल सकती। इसलिए भागवत में श्री हैं, भागवत में श्री भगवान कपिल देव अपना माँ को कहते हैं, बोले माँ ये भगवान का नाम किसके मुंह से उच्चारण होता है, ये स्वयं भगवान कहते हैं। बोले अहो बल सर्वोच्च अतो गरियात जत जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान कहते हैं माँ वही व्यक्ति ही बैठे करके प्रभु का नाम जप करेगा जो पूर्व जन्म में चार काम जो करके आया है। वो चार काम क्या है, मेरे पहला काम है पूर्व जन्म में जिसने सारे तपस्या कर चुके हैं, पूर्व जन्म में जिसने सारे यज्ञ कर चुका है, पूर्व जन्म में जिसने सारे दान कर चुका है, पूर्व जन्म में जिसने सारे तीर्थ भ्रमण कर चुके हैं, बोले माँ उसी की मुंह में ही ठाकुर जी की नाम आएगी, नहीं तो नाम आना सहज नहीं। इसलिए जो ठाकुर जी के नाम लेते हैं बड़े भाग्य बात है। जिसने नारद जी बोले बोले राम, बोले राम राम, बोले मेरे मुंह से निकल नहीं रहा, बस तू बोलता था मारो, बोले हाँ, बोले मरा मरा तो बोल सकते हो, बोले हाँ ये तो बोल सकता। इसलिए आप लोग मरा मरा बोलिए, सबके सब बोले मरा मरा, मरा 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 फिर ना अपने आप राम राम हो जाता है। इसलिए बोले उल्टा नाम जपते जपते जाना वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार करी सुमन मन माही है। इसलिए बोले तू राम का नाम लो, लेते 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 वाल्मीकि बन गए, उल्टा नाम लेते। और राम आने से पहले उन्होंने रामायण लिखकर लव कुश को उन्होंने पढ़ा दिया। ये उनकी दूसरा जो वृद्ध हुए फिर श्री व्यास थे जिन्होंने ये श्रीमद भागवत ग्रंथ रचना की। नारद जी दो चेले, ऐसे दो ग्रंथ है ना, एक भागवत और एक रामायण,
जो हमारे हिंदू के लिए हिंदू नहीं संपूर्ण पृथ्वी के लिए तो दिव्य ग्रंथ है। श्री नारद बाबा की जय। कहते भगवान का जो चौथा अवतार है कभी नारायण नारायण जी रूप में आए हैं, कभी ये बद्री का आश्रम पर ये तपस्या कर रहे हैं। बोले भगवान क्यों तपस्या कर रहे हैं, तपस्या धर्म करेंगे? बोले इसका कारण बताए, एक दिन नारद जी इसी जगत में आए और सबको दुख देखा। जब वैकुंठ गए देखा भगवान अनंत नाग पर शयन किए हुए, माँ लक्ष्मी प्रभु का चरण को गोद में लेकर के सेवा कर रही है और सारे देवता शांत आकार भुजंग शयन स्तुति कर रहे हैं और भगवान मिट्टी मिट्टी मुस्कुरा रहे थे। नारद जी बोले प्रभु ये दुनिया तो आपने बना दिया, दुनिया के लोग दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, आप यहाँ तो आनंद में हो है। बोले बताओ फिर क्या करने चाहिए? बोले प्रभु राम विमुख कभी सुख नहीं पाते, भगवान से विमुख होकर किसी को रावण को भी सुख नहीं मिला, इसलिए तभी सुख मिलेगा जो प्रभु की भक्ति करेगा। बोले बताओ क्या करनी चाहिए? बोले जब जब आदर से श्रेष्ठ तत् तत् देव ईश्वर जन। बोले श्रेष्ठ व्यक्ति जो काम करते हैं छोटे व्यक्ति उसको देख करके सीखते हैं। आप तो दुनिया का मालिक हो। बोले हाँ। बोले अगर आप फिर से तपस्या करोगे ना फिर आपको देख करके जीव की तपस्या करेगा, इसलिए आप जाओ ना तपस्या करो, आपको देख करके जीव की ना भजन करेगा। बोले ठीक है मैं जा रहा हूँ तपस्या करने के। तो भगवान निकल गए। बोले कोई बढ़िया जगह होनी चाहिए। ठाकुर जी भ्रमण करते करते पहुंचे भद्री का आश्रम पर, बड़ा सुंदर वहां पर परिवेश है, सुगंध शिला गंध मार्दन पर्वत जहाँ पर मंदारिणी कलकलनाथ सब बह रही है, बड़ा अपूर्व स्थान। भगवान को बहुत अच्छा लगा, यहीं पर बैठी रहेंगे भजन करेंगे। लेकिन वह स्थान में शंकर जी पार्वती को साथ में रहते थे। बोले ये तो सहज में ये स्थान छोड़ेंगे नहीं, इसलिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। वहां पर एक तप्त कुंड है, अब लोग बद्रीनाथ गए हैं। कौन कौन बद्रीनाथ गए? हाथ उठा तो दो चार ही गए हो। और बताओ कौन कौन जाना चाहता है? बताओ आप सबको हम ले जाएंगे बद्रीनाथ। जाओ तो बद्रीनाथ। देखो देखो हम एक अच्छी कथा सुनाऊंगा आपको। अभी वहां पर तप्त कुंड है, रोज शंकर पार्वती वहां स्नान करने आते। भगवान ने क्या क्या नारायण, लेकिन छोटा बालक बन करके गर्भ होकर में रोने लगे। शंकर जी आगे चले गए, देख करके समझ गए कुछ आते काला ये बच्चा कहां से आएगा। पीछे पीछे माता जी आ रहे, वो माता का हृदय में वात्सल्य में भरा होता है। इतने छोटा इतने सुंदर भालू थे ना, उन्होंने गोद में उठा लिया। शंकर जी को बोले ये बच्चे को मैं घर में सुला करके आती हूँ। सुला करके दोनों आए स्नान करने के लिए। जब उनको घर में सुला दिया ना, वो अंदर से कुंडी बंद करती है। शंकर पार्वती जब स्नान करके आए, दरवाजा खटखटाया तो ठाकुर दरवाजा ही नहीं खोला। शंकर जी पहले मना करते थे, पार्वती ये दाल में कुछ काला है, लेकिन जब दरवाजा खोले नहीं, शंकर जी बोले देखा तुम उसको घर में सुलाए तो घर ही दखल कर दिया। शंकर जी ध्यान लगाए ये कौन है, देखा ये मेरे प्रभु स्वयं है। बोले प्रभु रहना तो यही रहो, मैं तो केदारनाथ जाऊं। अरे शंकर जी बद्रीनाथ छोड़ के केदारनाथ चले गए। भगवान ने वरदान दिया, अगर कोई कष्ट करके एक बार से बद्रीनाथ आए, केवल मुझे दर्शन कर ले, ये कलयुग का जीव तो तपस्या कर ही नहीं सकते। मैं जो तपस्या कर रहा हूँ, ये तपस्या का छठवां भाग का फल अपनी आप उसको मिल जाएगा जो मेरे को एक बार दर्शन करे। श्री बद्री विशाल की जय। श्री बद्री नारायण की जय। देखो जब भगवान कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा भी मनोज रखा था, मेरे घर में एक बच्चा की जन्म हो जाए लाला की, मैं ये चार धाम जरूर करूंगा, केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री और जगन्नाथ। जब कृष्ण जन्म हुए अभी उनको चार धाम जाने चाहिए। अभी नंद बाबा बोले मैं चार धाम जाने जाऊंगा। कृष्ण कहा देखो ये कहां मेरे पिता माता है, उनको पता ही नहीं मैं कौन हूँ। बोले ये गंगा कौन है,
ये गंगोत्री क्या है? गंगा। बोले ये मेरे चरण से मिलती, ये चरणा मिलता है। बोले ये जमुना कौन है? ये मेरी सखी है। जमुना कौन है? कृष्ण की सखी। बोले ये केदारनाथ कौन है? शंकर जी कौन है? कहती है मेरे सेवक है, क्योंकि वैष्णव नाम जथा शंभु, भगवान के परम भक्त श्री शंकर जी। बोले ये नारायण कौन है? बद्रीनाथ। कहती है मेरे अंश के अंश के अंश के अंश है, वो कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्म है। बोले मैं जिनकी जुत्ती अगर नंदवा मुक्त नाला, मेरी जुत्ती तुम्हारा लिया। कृष्ण ठुमुक 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 करते जाते हैं, गोद में नहीं हाथों में नहीं, नंद बाबा का जुत्ती कृष्ण सर पर रख करके ठुमुक ठुमुक करके ले आते हैं। नंद बाबा कितने खुश होते, देखो मेरे लाला कितने अच्छे है। मैंने कहा जुत्ती ले आओ तो हाथों में नहीं सर पर लेकर के आ रहा है। लाला जो बड़ा होगा ना कितना तक बड़ा सेवा करेगा, है बड़ा सेवा करेगा। इसलिए मैं जिनकी जुत्ती को धारण करता हूँ, मैया कभी मेरे को कान मोल देती है, लेकिन वो सोच रही है चारिधाम जाएंगे। अरे सब तो चारिधाम यहीं पर है। तब कृष्ण ने कहा पिताजी कहाँ जाओगे? बोले लाला तू जन्म लेने से पहले मैंने मनोज रखा था घर में एक लाला की जन्म है जाए, घर में चारिधाम करने जाऊंगा। बोले बाबा चारिधाम तो ब्रज भी है, ये वृंदावन में चारिधाम है। बोले कहाँ पर? बोले मेरे साथ में चलो, आपको मैं एक दिन में चारिधाम करा के लाऊंगा। कृष्ण नंद बाबा मैया यशोदा ब्रजवासियों को लेकर के उन्होंने उनको चारिधाम कराया कि ब्रज में एक काम्य बन है, वो काम्य बन इस चारिधाम वहीं पर विद्यमान है। और वो जो केदारनाथ बद्रीनाथ है वो मूल नहीं, इसलिए ब्रज में जो केदारनाथ बद्रीनाथ तभी आदि बद्री और आदि केदार यही बोल है, उसका शाखा हुआ है। अगर उसको दर्शन करने जाओगे ना कम से कम उसको तो 10 दिन लगेगा गाड़ी में, अगर 36 घंटा घूमते घूमते जाओगे। लेकिन यहाँ पर जो केदार बद्रीनाथ, अगर सदर निकलोगे ना शाम को दर्शन करके आ जाओ। चलोगे आप लोग? कौन कौन चलेगा हाथ में जाओ, सबको यहाँ से ले जाओ। ठीक है, श्री बद्री विशाल की जय, जय श्री राधे। ऐसे ही उन्होंने भगवान की 24 अवतार को गिनाया, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह बामन परशुराम राम बलराम कृष्ण बुद्ध कल्कि, उन्होंने 24 अवतार नाम गिनाया। लेकिन गिनाते गिनाते उन्होंने कृष्ण को भी बोले कृष्ण एक अवतार है। सुत गोस्वामी के डर गए, बोले मैंने तो गलती कर दी। बोले क्यों? बोले मैंने कह दिया कृष्ण भी एक अवतार, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है, कृष्ण अवतार नहीं। बोले फिर कृष्ण कौन है? बोले कृष्ण अवतारी। अवतारी का मतलब क्या है? जिनसे ये सारे अवतार आते हैं। कृष्ण स्वलोकला में परिपूर्ण है, वो पूर्ण ब्रह्म ये है, जिसको ब्रह्मा कहते हैं। बोले ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कृष्ण जितने सारे कारण का जो कारण है ये भगवान श्री कृष्ण चंद्र है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय, बोले श्री कांते बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। देखो आपको एक अच्छी बात समझाता हूँ, आप जितने समझ सकते हो समझ लो। यदि जो भगवान कृष्ण है ये सृष्टि से पहले कौन थे? ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही थे। जब उनकी इच्छा हुई लीला करने के लिए, क्योंकि एक स्वरूप के द्वारा वो लीला कर ही नहीं सकते जब तक बहु नहीं हो, इसलिए कृष्ण गोलोक वृंदावन में है। श्री गोलोक वृंदावन में भगवान कल्प वृक्षों के नीचे कृष्ण खड़े हैं, उनकी इच्छा है लीला करने की, लेकिन अकेले में तो लीला कर ही नहीं सकते। जब सोच रहे थे लीला करने के लिए, इतने में भगवान की बाम अंग फड़कना शुरू किया और उनकी बाम अंग से एक अद्भुत एक ईश्वरी प्रकट हुई। इसलिए वो रास मंडल थी
वो रास मंडल से प्रकट हुई, इसलिए गुरु का पहला अक्षर बना रा। वो प्रकट होकर के सुंदर सुंदर पुष्प लेकर के कृष्ण को पूजा करने के लिए दौड़ी, इसलिए उनका नाम हो गया धा। धावित माने संस्कृत में दौड़ना, वो धावित हुई इसलिए उनका नाम पड़ गया राव और धा। उनका नाम पड़ेगा राव और धा। राव मतलब भक्ति, धा जो भक्ति प्रदान करती है। फिर उनको दान अंग से गति श्री बलदेव प्रभु प्रकट हुए, और ये बलदेव प्रभु से एक शंकर सन प्रकट होते हैं, और ये शंकर सन से तीन विष्णु प्रकट हुए। देखो अगर थोड़ी सी समझ सकते हो तो थोड़ा समझ लो, एक बहुत अच्छी तत्व। कभी कभी हम भ्रमित हो जाते हैं, ये कौन ये कौन ये कौन, ये चीज को थोड़ी समझ लो। तीन विष्णु प्रकट हुए, बोले भैया ये तीन विष्णु हुए कौन, इनका क्या काम। एक विष्णु का नाम है गर्भोदशाई विष्णु, कारणोदशाई विष्णु। ये कारणोदशाई विष्णु का काम है, जब उन्होंने माया को प्रति उन्होंने दृष्टि की, माया ने अनंत करोड़ों ब्रह्मांड को सृष्टि की, अनंत करोड़ों ब्रह्मांड, उसमें और एक विष्णु प्रकट हुए जिनका नाम गर्भोदशाई विष्णु। बोले इनका क्या काम है, बोले हर ब्रह्मांड में उन्होंने प्रवेश किया और अपना पसीना से उन्होंने आधा ब्रह्मांड को भर दिए, और जिनकी नाभि कमल से श्री ब्रह्मा प्रकट हुए गर्भोदशाई विष्णु। और जो तीसरा विष्णु इनका नाम खिराब दिशाई विष्णु। बोले भैया ये विष्णु क्या करते हैं, बोले सभी जीवों के हृदय में जो परमात्मा की जो निवास है अंकुष्ट परिमाण में, कहते ये कौन है, बोले श्री खिराब दिशाई विष्णु है। बोले कृष्ण का वाम अंग से कौन प्रकट हुई, बोले राधा रानी। बोले ये राधा रानी से कौन प्रकट होती है, ये जितने शक्ति आप देखते हो, उमा रमा सत्या सची चंद्रा दुर्गा काली, ये जितने शक्ति है, कहते ये राधा रानी की सही प्रकाश होती है। ये राधा रानी सही सबके सब प्रकाश हुई, जो मूल शक्ति है भगवान की, जो नादिन शक्ति परा शक्ति उनकी जो स्वरूप शक्ति है, ये कौन है श्रीमती राधिका रानी। जब हम राधा रानी को पूजा कर देते हैं, एक शक्ति नहीं अनंत करोड़ शक्तियों की पूजा हो जाती है, अनंत करोड़ शक्ति की। इसलिए रसनाम कहते हैं किरत सुता के पग पग में प्रयाग जहां केशवती केली कुंज कोटि कोटि काशी है, गोपिनी द्वार पे बसत है हरिद्वार बद्री केदारनाथ बसत दास काशी है। बोले स्वर्ग अपवर्ग हम लेकर करें किया, जानते नहीं है कि हम श्री वृंदावन वासी हैं। राधा रानी साधारण नहीं, राधा जी की चरण से ही अनंत करोड़ शक्तियां प्रकट होती हैं, और मूल श्री राधा रानी। इसलिए वृंदावन जाओ तो किसका नाम लेते हैं, राधा रानी। बोलो राधे 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 रानी की जय। इसलिए यदि भगवान कृष्ण ये पूर्ण ब्रह्म से भगवान, ये कृष्ण चंद्र ही भगवान, तब श्री सुत गोस्वामी प्रश्न सौनकादि श्लोक को प्रश्न करते हैं, बोले हे प्रभु आप कृपा करके ये बताइए ये भागवत ग्रंथ क्यों प्रकाशित हुआ, ये व्यास देव ने ये ग्रंथ प्रकाशित क्यों किए हैं, और ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, परीक्षित को उन्होंने क्यों कथा सुनाई, आप कृपा करके हमें ये सारे कथाओं को हमें बताओ। सुत गोस्वामी कहते हैं बोले द्वापरे समन प्राप्ते तृतीय युग पर जाए प्यास परासर उत्तोकी का सब्याम कलया हरे। श्री व्यास देव उन्होंने देखा ये कलयुग आ रहा है, धीरे 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 लोगों का बुद्धि ह्रास होते जाए, पहले एक वेद था, उन्होंने एक वेद को उन्होंने चार वेद रूप में प्रकाशित कर दिया, ऋग जग श्याम और अथर्व। फिर उन्होंने उपनिषद को प्रकाशित कर दिया, फिर उन्होंने ब्रह्म सूत्र को प्रकाशित किया, फिर उन्होंने सतर पुराण को प्रकाशित की, देखा शूद्र और स्त्रियों की ये वेद में अधिकार नहीं, इसलिए उन्होंने पंचम वेद श्री महाभारत को रचना की, जिसके अंदर में ये भगवद गीता है।
लेकिन ये सारे शास्त्र को रचना करके भी उनको शांति मिली नहीं। एक दिन श्री नारद जी बड़े सुंदर कीर्तन करते करते बिना बजाते बजाते श्री नारद जी वहां पधारते हैं। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय शिष्य के हृदय की अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके जो दिव्य आलोक संचार करे। बोले आप तो गुरु गुरु जी हम सही नस पकड़ लिए। मैंने जीव कल्याण के लिए इतने सारे ग्रंथ प्रकाश किए लेकिन मेरे को अंदर से शांति नहीं मिल रहा है। लगता है कुछ कमी है गुरु जी, आप ही बता सकते हो कमी क्या है। तब नारद जी कहते हैं बोले जथा धर्म दया सारता मुनि वर्ज्यानो कीर्तिता न तथा वासुदेवस्य महिमा जनवर्णिता। बोले बेटा तुमने दूसरे दूसरे धर्मों को जितने बढ़ा चढ़ा करके बता दिया ना, कैसे पैसा कमाओ, कैसे दान करो, कैसे स्वर्ग जाओ, कैसे भोग करो, कैसे यहाँ पर आओ, सारा दुनिया की बात तुमने जितने बताई उतना तुमने दीन खोल करके प्रभु कृष्ण की महिमा नहीं आई, प्रभु भगवान की कथा तुमने नहीं सुनाया। क्योंकि जो जीव है वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जीव है वो ईश्वर का ही अंश है। जब तक जीव ईश्वर की भक्ति नहीं करे, सारा दुनिया कर लो लेकिन ईश्वर की भक्ति नहीं करे तो जीव को शांति नहीं मिलेगी। बेटा अभी तो जीव भर करके केवल शुद्ध रूप में भगवान की भक्ति की बात बताओ। तुमने जब शिव पुराण रचना की बोल दिया सत्यम शिवम सुंदर शंकर ही सबको, अगर कोई शिव पुराण पढ़ लेगा बोले भैया भोले बाबा से कोई बड़े हैं। अगर तुमने जब देवी पुराण को रचना की बोले भैया जगदम्बा जगत जगत सब कुछ, वो बोले का मैया है सब कुछ। जब तुमने ब्रह्मा जी की महिमा का बोले तो सृष्टि करने वाले वही है, उनसे बड़े कोई है नहीं। जब तुमने सूर्य की महिमा गाई बोले सारा दुनिया को तेज देने वाले सूर्य देव। जब तुमने गणेश जी की महिमा आ गई भले पहले तो पूजा गणेश जी की होनी चाहिए, कभी ग्रंथ सारे पढ़ लेंगे ना वो पागल हो जाएगा, वो सोच नहीं सकता किसको करे और किसको छोड़े। और भविष्य में ना कभी कभी ये चीज को लेकर आपस में लड़ेंगे लोग, लड़ेंगे बेटा। इसलिए जब तक भगवान की जीव भक्ति नहीं करके तो जीव जो है वो भगवान कृष्ण का ही अंश राम का ही संतान है। इसका कर्तव्य भगवान की भक्ति करना उनकी कर्तव्य है बेटा। ये बात तुमने स्पष्ट रूप में नहीं बताया इसलिए तेरे को शांति नहीं मिल रही। और तुमने क्या बोल दिया, हाँ तुम संसार करते रहो, घर गृहस्थी करते रहो, जब बड़े बड़े हो जाओगे ना रिटायर लाइफ हो जाएगा ना, हाँ ये थोड़ा माला कर लेना कोई बात नहीं। अरे ये संसार करते करते किसको विरक्ति अभी तक हुई है करते, भले ही संसार का संकट अंडा पड़ रहा है, बहू भी मार रहा है, बेटा भी गाली देता है, परिवार सब गाली दे रहे हैं हमें,
और उनको ही पालन कर रहे हैं। जितने गाली पड़ता है ना उतना ज्यादा चिपक तो भी हम जा रहे हैं, उतना ही संसार में आसक्ति होते जा रहे हैं। हाँ देखो अब मैं छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान देखो कैसे हम संसार में कितने आसक्ति है। बोल एक समय श्री नारद जी वैकुंठ में गए, देखा वैकुंठ खाली पड़ा हुआ। बोले प्रभु ये वैकुंठ खाली पड़ा हुआ, संसार में जीव दुख कष्ट भोग कर रहे हैं, कुछ तो ले आओ यहाँ पर। बोले नारद जी मैंने 24 बार अवतार लिया है लेकिन एक जीव भी ये माया छोड़ करके आना नहीं चाहता। बोले प्रभु मेरे को विश्वास नहीं होता, इतने दुख पा रहे हैं वैकुंठ में, आनंद ही आनंद। बोले नारद जी ये दायित्व मैं तेरे को दिया हूँ, जितने जीव मिले ना उनको पकड़ कर तो वैकुंठ ले। बोले प्रभु आज ही ये वैकुंठ में भर दूंगा। नारद जी आए, देखा एक किसान जेठ की महीना खेती कर रहा है, पसीना पसीना बह रहा था। नारद बोले किसान भैया वैकुंठ चलोगे? बोले मेरे पास ना समय नहीं वैकुंठ जाने के लिए, खेती करना भी होगा, संसार दुनियादारी वैकुंठ अपना रास्ता थी। आगे गए एक माता जी को कुएं में पानी भरते हुए देखा, बोले माता जी वैकुंठ चल गई। बोले अभी अभी मैं रोटी बना करके आई हूँ, कुएं से पानी लेकर के सब्जी बनाऊंगी, अपना बेटा बेटी बच्चे खाएंगे, बोले वैकुंठ अपना रास्ता देख, हमारे पास में समय नहीं। अभी किसी को पूछे वो कोई जाने के लिए तैयार नहीं। बोले ठाकुर तो सही बता रहे थे, देखा 80 के एक वृद्धा घर को बाहर बैठा हुआ, बड़े सर पर हाथ दे करके बड़ी चिंता में। बोले ये जरूर जाएगा, बुरा हो गया ना, हम तो मैं काम हूं। बोले आपका नाम क्या है? बोले कैलाश। बोले वैकुंठ चलोगे? बोले हाँ जाने का इच्छा है लेकिन एक काम तो बोले बाकी रह गया, उसको निपटा करके मैं चला जाऊंगा। बोले कौन सा काम? बोले बेटा का मतलब शादी बाकी रह गई, सगाई हो गई, अभी अभी कुछ दिन में शादी होने वाला, फिर तो मैं चलूंगा। नारद जी ने देखा अभी तक तो कोई जाने के लिए राजी नहीं हुए, कम से कम एक व्यक्ति हाथ भरा, नारद तो उसको पीछे ही बोले। जब नारद जी आए बोले क्यों कैलाश, बेटा का शादी हो गई? बोले बाबा आपके आशीर्वाद से बढ़िया से शादी हो गई, घर में बहुत अच्छी बहू आई, बड़े आज्ञाकारी बहू। बोले अभी वैकुंठ चलो। बोले नारद जी अभी बहू गर्भधारण की, अभी एक बच्चा देने वाला, घर सारी इच्छा तो पूरी हो गई, तो बोले एक इच्छा बाकी है। हाँ बहू अभी बेटा का बच्चा जन्म देगा, उसका मुंह देख करके सीधा वैकुंठ चलूंगा, और कोई काम नहीं। बोले पहले बोल रहा था बेटा का शादी हो जाए, फिर बोलता है नाती का मुंह देख करके जाऊंगा। बोले कम से कम तो हाँ भरा। बोले कब आओ? बोले कुछ दिन बाद में आओ। जब नारद जी आए देखा वो है नहीं, बेटा से पूछा पिताजी कहाँ गए? बोले क्या बताऊं, पिताजी की स्वर्गवास हो गया। बोले हाय रे, इतने कष्ट से एक चेला बनने जा रहा था, वो चेला भी हाथ से। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि गोविंद जय जय रमण हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय हाथ से गया, लेकिन नारद जी ने देखा ये घर छोड़कर कहीं नहीं गया। ये गीता का श्लोक है, ये कृष्ण खुद कहते हैं। बोले जम जम व्यापी शरण भाव त्यजत अन्ते कलेवरम तम तम एव कौन्तेय सदा तद्भाव विभावित। बोले हे अर्जुन, जीव अंतिम समय में जैसे चिंतन करते करते शरीर छोड़ता नहीं, वो ठीक वैसे उसको जन्म होता। आगे हम भरत की कथा सुनेंगे।
जिनका नाम पर भारत वर्ष पड़ा है, वो अंतिम समय में हिरण की चिंता करते करते मरा तो दूसरे जीवन में वो हिरण बनकर जो आए। देखा ये घर से कहीं नहीं गया, घर में जन्म लिया। क्यों? घर में आसक्ति था। ध्यान लगा करके देखा ना, वो घर में कुत्ता बन कर गया। बोले कैलाश तो अभी कुत्ता बन गया, अभी तो भजन कर, अभी तो चलो। बोले गुरु जी ये जितनी जमीन जगह थे ना देख रहे हो, इसको मैंने कितने कष्ट करके कमाया ये मेरे को पता है। ये नालायक बच्चा रात को सो जा रहा है, कोई होश आवास नहीं रहता, कौन क्या उठा करके ले जाएगा, कोई होश आवास नहीं। इसलिए रात भर भोग भोग करते करते मैं ये पहरादारी करता हूँ। बोले बताओ फिर कब जाओगे? बोले गुरुदेव बच्चा थोड़ी सी और मोहनहार हो जाए फिर तो मैं चलूंगा। गुरुदेव ने देखा कुत्ता बन के तभी भी आ सकते। देखो यहाँ मथुरा में रहते हैं, मथुरा में बहुत बड़ा पैसा वाला था, आपको सही घटना सुनाता हूँ। उसने जब मरा उसने कुत्ता बन करके आया, जब कुत्ता बन करके आया वो बेटे को स्वप्न दिया है, ये मथुरा की घटना है। बोले बेटा मैं अमुक जगह पर अमुक घर में मैं कुत्ता बन करके पड़ा हुआ, बेटा मेरे को ले जाओ, मेरे को ठीक से देखता नहीं, खाना नहीं मिलता। उसने बेटा सोचा भोगा वैसे कोई स्वप्न आ गया, दूसरे रात्र में फिर स्वप्न आई उसको। बोले बेटा मैं तेरे पिता हूँ, मैं अमुक जगह पर आ, मैं कुत्ता यहीं पर बन करके पड़ा हुआ हूँ, मेरे को ले जा बेटा। खैर उसको अपना मैया को बोले बोले पिताजी ऐसे ऐसे स्वप्न आया है, वो कहते मैं क्या कुत्ता बन करके वहां हूँ, चलो मैया वहां पर। मैंने 20,000 रुपया दे करके वो कुत्ते को उसने ले करके आया, पर उसको अपना घर में रखा। ये मथुरा की घटना हम वही बन रहे थे, और सबसे जो ज्यादा पैसा वाला था वही व्यक्ति। अभी उसने देखा तो चले गए गुरु जी। गुरु जी कुछ दिन बाद में फिर आए, देखा कुत्ता है ही नहीं। बोले बेटा कुत्ता कुत्ता कहाँ गया? बोले गुरु जी इतना अच्छा कुत्ता था गुरुदेव, हम क्या बताए, हम तो निश्चिंत होकर रात को सो जाते, एक माह से कोई तिनका भी यहाँ से उठा करके नहीं ले पाता, क्योंकि उसने कमाया हुआ, उसका घर है, उसकी घर है। बोले किसी को भी यहाँ से लेने नहीं देता था, कहते ना दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है, जिसका भाग्य में जहाँ पर आ सकती है ना वो घूम फिर तो फिर वही आ जाता है। फिर देखा घर में तो बैल बन करके आया, उसको बेटा उसको खेती करवाता है। बोले कैलाश तुमने बैल बन दिया, अरे अभी तो चल भजन कर। बोले गुरुदेव की जितनी की जमीन जगह देख रहे हो, उसको मैंने कितने कष्ट करके कमाया इसको पता नहीं, ये क्या करता है, वो खेती तो थोड़ी सी करता है उसको छोड़ देता, इसको क्या पता मैंने कितना कष्ट करके कमाया था, इसलिए मैंने उसको उत्साह दे करके उसको खेती कराने के लिए मेरे को ले जाना पड़ता है। बोले हे भगवान कितने आसक्ति। बोले बताओ कब चलोगे? बोले गुरुदेव थोड़ी सी बचा ना, थोड़ी सी संभल जाए, थोड़ी सी होनहार हो जाए। गुरु जी चले गए, कुछ दिन बाद आए, देखा वो बैल भी नहीं। बोले बेटा बैल कहाँ गया? बोले गुरुदेव क्या बताऊं, इतने बैल अच्छा था, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं रहा, मेरे को जोर जबरदस्त मेरे को काम कराने को ले जाता था। नारद जी देखे भैया कहाँ, पहले पहले समय में आपको पता होगा लोग अपना रुपया पैसा कहाँ कैसे रखते थे, कलसी में भर करके मिट्टी को अंदर में गाड़ देते थे, चोरी नहीं हो जाए। उन्होंने कुछ रुपया पैसा को जमीन में गाड़ दिया था, लेकिन उन्हें पता था मैंने कहाँ गाड़ लिया, और वो सर्प बन करके जहरीले सर्प बन करके वो उसको ऊपर बैठा हुआ है। नारद जी ने देखा इसका पीछे मैंने 3 जन्म घूम गया, वो अभी भी जाना नहीं चाह रहा है। बोले जब तक ठंडा नहीं पड़ेगा ना तब तक ठंडा नहीं होगा। बोले बेटा मेरे पिताजी एक सोने के कलसी में कुछ सोना चांदी को गाड़ कर गया, लेकिन बोल नहीं पाया, उसको ऊपर में एक जहरीला सर्प बैठा हुआ एक डंडा लेकर गया। देख बेटा उसको जान से नहीं मारना, केवल उसकी कमर को तोड़ देना। बेटा तो बड़ा खुश हो गया, लाया डंडा मारा अपना पिताजी को, अब कमर तोड़ दी, सर्प का कमर टूट जाए ना भाग नहीं पाता है। बोल फेंक उसको कटे हो तो सचमुच से कल से निकला। बोले उसको ले जा, वो सांप आग फाड़ फाड़ कर देख रहा था, क्यों उसने कमाया हुआ। बोले क्यों कैलाश? देखा तेरा बेटा ही तेरा कमर तोड़ दिया, जाओगे भजन करोगे? बोले गुरुदेव अभी भजन करूंगा,
अभी मेरे को उधार कर। देखो आप लोग सोचोगे ना हरी सब करते हैं, मैं कल आपको एक चीज दिखाऊंगा। मैं कुछ दिन पहले एक झाड़ग्राम मैं वहां कथा करने के लिए गया था। जब मैंने वहां कथा की, एक व्यक्ति ने एक न्यूज पेपर मेरे को ला करके दिया, कल आपको दिखाऊंगा। वो न्यूज पेपर ला करके दिया, वो न्यूज पेपर में आप देखोगे एक व्यक्ति का घर भित्ति खनन कर रहा था, घर बनाने के लिए। वो जब मिट्टी खोद रहे थे झन करके आवाज हुई, बोले भैया ये आवाज कहाँ से हुई। जब खोदे देखा दो कलसी है और जिसमें सोने चांदी की मोहर रखा हुआ और दो जहरीले सर्प वो उसको एकदम लपेट करके वो कलसी में बैठे हुए। इतने में पुलिस में खबर हो गया तो कलसी निकला जिसमें कोई रानी का नाम उसको उसके ऊपर लिखा हुआ है, है? कोई रानी का नाम लिखा हुआ, कौन सा समय वो चांदी है सोना है, कल आपको न्यूज पेपर आपको दिखाऊंगा। खैर पुलिस लोग आ गए, उसको वो जो दो सर्प थे उसको बोरी में भर करके उसको 3 किलोमीटर दूर में छोड़ करके आ गए। वो दो सर्प को देखा आधा घंटा के अंदर में दो सर्प मेरे वहीं पर घूम रहे। वो किसी तरह से छोड़ना नहीं चाह रहे कलसी को किसी तरह से। आपको वो गांव कहां और वो कलसी का उसमें पिक्चर है, आप देखोगे कौन सा गांव सारे डिटेल्स रूप में दी हुई उसमें। इसलिए आप ये मत समझो कि ऐसे कथाएं ये सही है कि सही। कल पेपर देखोगे तो आप पूरा पता चल जाएगा है। बड़े कष्ट से उसको ऊपर ने पानी छिड़काव करवाया, फिर उसने दूसरे जीवन में इंसान बना, नारद जी भगवान का नाम दिया मंत्र। जब घर के वैकुंठ लेकर भी गए नारायण प्रश्न कर रहे, बोले बेटा कितने व्यक्ति को पकड़ करके लाए हो। बोले ठाकुर जी आप सही बता रहे थे, इसके पीछे तो मैंने 5 जन्म भटक गए। तब बड़े कष्ट से उसको वैकुंठ लेकर के आया। इसलिए ये संसार की आसक्ति कितने जोर जबरदस्त। हाँ देखो अभी ध्यान देकर ये बात को सुनो, ऐसे कौन सा उपाय है हमें संपूर्ण संसार में आसक्ति आएगी। बेटा बेटी नाती पोती दुनियादारी सब में तुम्हारी आसक्ति रहेगी, लेकिन अगर मरते समय भी अगर आप इनको याद करते करते जाओगे तो आपको बंधन की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे कोई उपाय है पर भगवान कृष्ण गीता में उसका उपाय कहते हैं। भगवान कहते हैं कृष्ण ने संसार कर छाड़ी अनाचार, मतलब है अगर तुम्हारी संसार भगवान की भक्त का परिवार है, सभी की गले में तुलसी कंठी हो, सब तिलक लगाए, सब के सब भगवान के नाम जप करें, घर में हरि कीर्तन हो, घर में ठाकुर का सेवा पूजा हो, आप देखना मरते समय पूरा परिवार चारों तरफ में घिरे हुए थे। बेटी कहती है पिताजी मैं आपकी बड़ी बेटी हूँ, मेरे को पहचान रहे कि नहीं। पिताजी आग खोल कर देखते हैं। दामाद कहता है ससुर जी मैं आपको छोटा दामाद हूँ। वो कैसे देखते हरी हरी बोल। अंतिम में देखना चारी तरफ में पूरा परिवार घिरे घिरे हुए होते हैं और उनको देखते 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 उसने अंतिम श्वास को त्याग देता है, अंतिम श्वास त्याग करता है। इसलिए ये मानव शरीर को कर्म योगी बताया और सब भोग योगी है। एक जन्म में इतने कर्म बनती है उसको भुगतने के लिए 84 लाख उसको जन्म भटकना पड़ता है। अगर तुम्हारी परिवार में सबके सब भक्ति करते भजन करते पर अगर मरते समय उनको अगर आप देख करके चिंतन करते हुए जाओगे ना सीधा वैकुंठ जाओ, सीधा वैकुंठ। क्यों? घर में सबके सब भक्ति कर रहे, सबकी गले में तुलसी कहती, सब तिलक लगाते हैं, हरिनाम कहते हैं, वो वैष्णव भक्त है। अगर उनको याद करते करते जाओगे तो आपके संसार की कोई बंधन दशा नहीं होगी। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण गीता में कहते हैं जत करोसि जत स्नासी जत दोहोसि तदासि जत जत तपस्वी कौंतेय तत पुरुषम भद्रकणम। हे अर्जुन अगर सब कुछ मेरे लिए तुम करोगे ना वो घर घर नहीं वो घर वैकुंठ है, वो घर वृंदावन है, वो घर वृंदावन। वृंदावन और कहीं नहीं,
घर को ही वृंदावन का परिवेश दो, घर में कीर्तन हो, सत्संग हो, ठाकुर का सेवा पूजा भगवान की सब हो, बस घर ही वृंदावन बन गया। इसलिए यहाँ पर श्री नारद जी कहते हैं, व्यास अभी तुम जी भर करके भगवान के हृदय खोल करके भगवान की महिमा का तुम गान करो, इसी भेंट में शांति मिलेगी। जानते हो व्यास मैं इतना बड़ा नारद कैसे बना, बल कैसे बना, बोले मेरी जो जन्म है किसी गरीब घर में मेरा जन्म हुआ। एक दिन हमारे गांव में चातुर्मास महीना में कुछ संत लोग आए, संत लोग आकर हरि कीर्तन करना शुरू की। मेरी मैया तो छोटी जाति के मैया और मेरी मैया गरीब घर के, मेरी मैया ने सोचा अगर ये संतों की थोड़ी बहुत मैं सेवा कर दूं मुझे भी खाना मिल जाएगी और मेरे बच्चे को भी खाना मिलेगा। मेरी मैया जा करके संतों की सेवा करना शुरू की। अभी जो माँ करेगा बच्चा तो ही करेगा, पहला गुरु कौन है, पहला गुरु श्री पिता माता, पहला गुरु है पहला गुरु ही पिता माता। साक्षात अगर कोई गीता भागवत कौन है, जीवित रूप में कहती पिता माता ही पहला गुरु। अगर मैया अगर माला जप करती है, मैया अगर रामायण गीता पढ़ती है, बेटा क्या करेगा, बेटी मेरे को भी, बोले मैया मेरे को भी माला दे दो, मैया मेरे को भी तिलक लगा दो, मैया मेरे को भी मैं भी पढ़ूं। अगर मैया अगर टीवी खोल करके दिन भर उल्टा पुलटा दिल्ली उल्टा पुलटा गंदी गंदी चीज को देखते रहे, बच्चा क्या करेगा, वही आप फाड़ फाड़ कर देंगे, कैसे शोध कर रहे हैं, कैसे मार रहे हैं, कैसे सांस लो रहे, कैसे लड़ाई हो रही है बच्चा, क्योंकि पिता माता पहला गुरु ये पिता माता है, संस्कार देने वाले पिता माता। अगर हम स्वयं भजन नहीं करेंगे, माला नहीं जप करेंगे, कभी भी बच्चे के ऊपर में संस्कार कभी पड़ी नहीं सकती है, बच्चों के ऊपर कभी संस्कार नहीं पड़े। इसलिए पहला गुरु पिता माता है, इसलिए पिता माता को ही संस्कार देना पड़ेगा बच्चों को, है। इसलिए हम सबके सब तो चाहते हैं बेटा हमारा बढ़िया बने, बेटा हमारी बढ़िया बने, बताओ कौन नहीं चाहता है, दुनिया चाहते हैं बेटा हमारा, लेकिन बढ़िया तो बनेगा फिर संतों का संग करेगा, चले संत करने के संग लागी रहते ही अच्छी बनेगी, संतन का संग से ही अच्छे बन सकते, नहीं तो अच्छे बन नहीं सकते। नारद कहते हैं अभी मैया जो करेगा मैं भी यही करूंगा। अब मैया संतों के साथ में बैठ कर कथा सुनती है, मैं भी बैठ कर कथा सुनता था, और मैं मेरा उम्र था 5 साल का, लेकिन 5 साल का होते हुए भी जब संत लोग बैठ कर कथा सुनते ना, जैसे आम बच्चे खेलते कूदते हैं, खेलता कूदता नहीं वहीं पर बैठ करके उनको साथ में भी कीर्तन करता था, उनको कथा भी सुनता था। संतों लोगों ने देखा 5 साल का बच्चा खेल कूद करने का समय, लेकिन जहाँ कीर्तन हो कीर्तन में बैठता है, जहाँ सत्संग हो वो सत्संग में बच्चा बैठता है। जितने भी संत समदर्शी होते हैं उनका नजर पूरा मेरे ऊपर ही उनका नजर पड़ता, और मेरे को बोलते थे इनका आज्ञा पालन करने वाला था, बेटा अपना फूल ले आ ठाकुर का सेवा करेगा। मैं दौड़ दौड़ कर जाता था ठाकुर के लिए फूल लेकर जाता था, हैं बोले बेटा ठाकुर के लिए थोड़ा फूल की माला बना दो, मैं भी माला बनाया करता था। एक दिन संतों लोग आपस में चर्चा कर रहे थे, अगर भगवत भक्ति अगर जिसको पढ़ाने का इच्छा है वो 3 उपाय है जिसको थोड़ा जल्दी से जल्दी भक्ति मिलेगी। बोले 3 उपाय क्या है, बोले एक है भक्तों का चरण धूलि, दूसरा है उनकी चरणा मृत, और तीसरा है उनकी अधरा मृत प्रसाद। कहते ये 3 चीज को द्वारा जितने जल्दी भक्ति मिलती है और कोई उपाय नहीं उतना जल्दी कोई भक्ति को प्राप्त कर सकता है, और कोई इतना उपाय और कोई नहीं। एक तो संतों ने प्रभु जी मैंने कल आपको बताया था यहाँ पर और एक इच्छा देना इस तरफ से माता है ज्यादा आती है इसलिए इधर है इधर पीछा बैठ सकते आगे आ जाओ सब माता इस तरफ आगे आ जाओ। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय Oh,
प्रसाद तक पाए और पटले में तुझे झूठा छोड़ के चले गए। मैंने संतों से आदेश लिया, आपका अधरा मृत हम ले सकते हैं? संतों तो मेरे प्रसन्न थे। मैं तुम्हें सच सच से बता रहा हूँ, नारद जी कहते व्यास थे, केवल मैंने एक बार संतों का झूठा प्रसाद लिया और मेरा हृदय पवित्र हो गया। मेरे हृदय में प्रभु का प्रति रुचि, प्रभु का प्रति प्रेम प्रकट हो गया। चार महीना खत्म होते ही संत लोग जाने के लिए तैयार हुए। मैं भी सोचा मैं भी संतों को साथ में चलता हूँ, लेकिन मैं पिता माता का अकेला बेटा था, मैया मेरे को जाने नहीं दी। संतों लोग जाते समय एक मंत्र देकर गए, ओम नमः भगवते वासुदेवाय प्रद्युम्ना शंकर सहाय। उन्होंने एक मंत्र हमें दे करके गए। एक दिन मेरी मैया शाम का समय में वो गई थी गोद दोहन करने के लिए, एक जहरीले सर्प को पर प्यार बढ़ते ही वो सर्प मेरी भैया को काट गया, वहीं पर मेरे भैया प्राण त्याग की। किसी ने कहा नारद जी तेरे माता जी को सर्प ने काट दिया, दुख भी हुआ और सुखी भी हुआ, अभी मेरे को कोई रोकने वाले और कोई है नहीं, अभी मैं भजन करने के लिए चल पड़ा। जब मैं थोड़ी दूर गया, मेरा उम्र था 5 साल का, देखने में बड़ा सुंदर था। दो सेठ सेठानी जिनके घर में कोई संतान थी नहीं, उन्होंने मेरे को देख करके बोले बेटा हमें एक बार तो पिता माता बोल दे कि सारे संपत्ति का मालिक तू बन जाओगे। बोले मैं बैठूंगा तो केवल ठाकुर जी की गोद में बैठूंगा और किसी की गोद में नहीं, उसका मोह भी मैंने त्याग। और थोड़ी दूर गया, एक राज्य में राजा ही नहीं, वो हाथी सोने का कलसी लेकर घूम रहा था, जिसके सर पर डालेगा वही बनेगा राजा, और उसने कलसी का पानी मेरे सर पर डाल दिया। बोले भैया हमारा देश का राजा ही मिल गया, फिर उसका मोह भी मैंने त्याग की। और थोड़ी दूर गया, सोने की मैंने खान देखी, लेकिन उसका मोह भी मैंने त्याग दी। कहते ना ता पर कृपा हरि की, वही ता पर कृपा करे सब कोई। मैंने सारे मोह को त्याग दी, घोर जंगल में प्रवेश किया, बड़ा सुंदर सरोवर, सुंदर कमल फूल खिला हुआ था, बड़ी सुंदर बेली चमेली जिनी केतकी मालती गोल का सुगंधित बह रहा था। वहां पर पेट भर के लिए पानी पिया। संतों ने जो हमें मंत्र प्रदान की थी, वो मंत्र को मैंने एक मन से वो मंत्र को मैंने जप की। मंत्र जप करते 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 जब मेरा मन संपूर्ण दुनिया से हट गया, इतने में मेरा मन एकाग्र हुई तो साक्षात भगवान मुझे एक झलक दर्शन मिली। प्रभु का दर्शन में मुझे इतने आनंद मिली, आनंद से मेरी आंखों की आंसू झरने लग गए और इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मैं तो जैसे मछली को पानी से निकाल दो वो जैसे तड़फड़ाता है, मैंने तड़फड़ाने लगा। बोले ठाकुर जी अगर दर्शन नहीं देते देते ही नहीं, पर दर्शन देकर कहाँ चले गए? आकाश बारी हुई अभिपक् को कसाया नाम, दुर्दस अहम को जो बिना। हे नारद जी अभी तुम्हारी अंदर में कुछ कमी है, अभी तुम्हारी अंदर में कुछ अनर्थ है। ऐसे व्यक्ति को पूर्ण दर्शन नहीं मिलता, केवल उत्पन्ना बढ़ाने के लिए मैंने दर्शन दी, अगली जीवन में मेरे दर्शन मिलेगा। फिर मैंने दूसरे जीवन में नारद जी की मानस पुत्र बन करके गिरिराज तलहटी में वहां पर एक नारद कुंड, वहीं पर बैठी करके मैंने जो भजन की, दिव्य भगवान गिरिराज दर्शन। ठाकुर जी गोपियों को साथ में, राधा जी को साथ में दिव्य रास कर रहे थे। ठाकुर जी मुझे रास लीला में दर्शन दी और राधा रानी मुझे अपना प्रसाद बिना प्रदान करती है।
और जब जब मैंने ये बिना में ठाकुर जी का नाम लेता हूँ और ठाकुर जी दौड़ दौड़ करके आते हैं और मुझे ठाकुर जी दर्शन प्रदान करते हैं और जहाँ चाहता हूँ ये मन कितना तेजी से गति करती है। अगर मैं बैकुंठ में जाना चाहता हूँ ये मन जितनी तेजी से गति करता है बैकुंठ में चला जाता हूँ। स्वर्ग जाना चाहता हूँ स्वर्ग चला जाता हूँ। जहाँ इच्छा सर्वत्र भ्रमण करते हुए और ठाकुर जी का नाम जप करना हूँ। हे व्यास ये मेरी अनुभूति की बात है। संतोष सेवा से ही सबसे जल्दी से जल्दी भक्ति संतोष सेवा से मिलती है और तभी आनंद मिलेगी तुम्हें जब भगवान हरि की तुम भक्ति करो। भगवान कृष्ण को भक्ति करके पूर्ण आनंद मिलेगा। अभी तुम ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना करो जिसमें केवल हरि चर्चा और दुनियादारी और कोई देवा देवी की कथा नहीं, हरि और हरि की जो शुद्ध भक्त है केवल उन्हीं की ही कथा तुम बताओ। इतने में दिल नारद जी बिना उठा करके प्रभु का कीर्तन करते 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 श्री नारद जी वहां से चले जाते हैं। अब लोग एक भजन सुन लो काल के को गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे समुद्र मधुरा समुद्र मधुरा ब्रजवनिता मधुकर दो मधुकर दो हर बाकी बिहारी की देख छचा तो आप लोग वृंदावन जब गए देखे होंगे कि बांके बिहारी के मंदिर में 2 मिनट अंतर अंतर पर्दा लगता है, लगता है कि नहीं? किस किस ने देखा है? सभी लोग देखे। क्यों लगता है ये पता है? क्यों पर्दा लग जाता है दोनों अंतर अंतर? क्योंकि हमारे माँ के बिहारी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कहीं उनका नजर ना लग जाए। और भक्त ऐसे ऐसे होते हैं आंखों में बैठा के ले जाते हैं माँ के बिहारी, इसीलिए 2 मिनट अंदर अंदर पड़ता लगता है। ऐसे ऐसे भक्त हैं, भक्त जो प्रेम में ये बिहारी चले जाते हैं।
तो इसलिए बाकी बिहारी के प्रेम के लड़ा पटा कौन पर हुए श्री द्वार नदी ने दो गोपी हम कह रहे हैं कि लड़ा पटा मेरे मन है गए वो लड़ा पटा लेकिन लड़ा पटा कितने आदमी का हुआ है केवल दो तीन गोपी ये तो हमारे दिल्ली नोएडा की गोपी आए हैं श्री राधे तो आइए सभी लोग आके बिहारी के प्रेम में नाचेगा तो वही श्री का दिल पागल हो दीवाना हो भगवान के नाम तो आइए बाके बिहारी का नाच सभी लोग मीठी मीठी तालियों की सेवा करते भाई गाएंगे और जिनको नाचने का मन करे वो नाचे हरे बाके बिहारी के तेज चटारा तेज चटारा हरे
भक्ति जोगेन संगत प्रणहीतमनि
अपश्यम पुरुषार्थ पूर्णम माया अंधकार अपाश्रय। जब श्री नारद जी चले गए, श्री व्यासदेव भक्ति योग समाधि रो गया, जब समाधिस्थ हुए बल अपश्यम पुरुषम पूर्णम, वो पूर्ण पुरुष भगवान कृष्ण वो सारो श्री राधा रानी। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन को दर्शन की। खैर उन्होंने ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ रचना, बोले भैया ग्रंथ तो बड़ा सुंदर है लेकिन ये ग्रंथ पढ़ाए किसको? बोले जिसी के लिए हमने ग्रंथ बनाए, ये सुखदेव तो जन्म से ही ये ब्रह्मज्ञानी बन के चल गया, अभी उसको वापस कैसे लाया जाए? बोले व्यास देव के चार ही चले थे। बोले देखो चलो, पर एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया, उसको वापस ला सकते हो? बोले गुरु जी जंगल में बहुत सारे तोते हैं, हमें क्या पता होगा तोता कैसे? बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, तुम चारों को मैंने चार श्लोक सिखा देता, ये श्लोक सुन करके अपनी आप जो पकड़ में आ जाए समझना वो मेरे तोता है। तो उन्होंने पहला चेले को एक मंत्र सिखाया, जो राधा रानी स्वयं अपना मुखार बिंद से जो मंत्र उच्चारण किया, मतलब उसने बाके बिहारी कितने सुंदर है, बल बराह पीड़म नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम विप्रत वास तनक तपिशयम वैजयन्ति च मालम रंध्रान पीनुरधर सुधया पुरयान गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम गीत कीर्ति। बोले कृष्ण कितने सुंदर हैं, बोले बराहा जिनकी सर पर मोर पंख है। बोले कृष्ण मोर पंख क्यों लगाए? इसका पीछे पांच कारण हमारे संतों ने बताया, अभी मैं बताऊंगा, कल आपसे मैं सुनूंगा, ठीक है? ऐसे सुना जैसे कल मेरे को बोल पाओगे। कृष्ण मोर पंख क्यों लगाते हैं? इसका पहला कारण बताया, ये मोर पंख में से ईश्वरी का नाम लेता हुआ राधा रानी का नाम लेता हुआ, अभी जिनको पढ़ना आता है वही पढ़ सकते हैं, इसलिए श्याम सुंदर मोर पंख लगा रहे हैं। दूसरा कारण है, ये मोर ब्रह्मचारी, ये कभी भी अपना पत्नी से नहीं मिलता, इसलिए ब्रह्मचारियों को भगवान बड़े प्रेम करते हैं, इसलिए उसके पंखों को ठाकुर जी सर लगाते हैं। तीसरा कारण है, आप लोग को बरसाना गए होंगे, कौन बरसाना गए होंगे, वहां की गहर बन है, गहर बन को परिक्रमा करते समय देखोगे तो मोर कुटी है, यदि मोर कुटी में कभी श्री राधा कृष्ण दोनों मोर और मयूरी बन करके कभी वहीं पर नृत्य की थी, इसलिए राधा रानी कभी मयूरी बनी है, इसलिए राधा जी की स्मृति के लिए श्याम सुंदर सर पर मोर बुंद लगा देना। कितना कारण हो गया? तीन हो गया। चौथा कारण हुआ, ये मोर कब नृत्य करता है? ये मोर तभी नृत्य करेगा जब आकाश पर काला मेघ छा जाए और वहां पर बिजली चमकने लग जाए, गड़गड़ 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 सबका आवाज हो, तभी देखना ये मोर तभी नृत्य करता है। कहते कृष्ण का रंग कैसे है? बोले घनश्याम, उनका शरीर बरसाल मेघ जैसे भगवान की रंग है। कहते पीताम्बर कैसे है? जैसे काला मेघ में जैसे बिजली चमकती है। कहते उनकी बंसुरी की आवाज कैसे? जैसे घड़ 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 शब्द हो। मर तभी नृत्य करता है जब आकाश में काला मेघ छा जाए। अभी कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके मर तो थिरक थिरक करके मर नृत्य करना शुरू कर दिया। जब नृत्य की, अभी मर बड़ा प्रसन्न हो गया कृष्ण के ऊपर में, अभी कृष्ण को कुछ देनी चाहिए। बोले मेरे पास में तो मेरे पंख ही है और कुछ है ही नहीं। उन्होंने अपना पंखों को झाड़ दिया और एक मोर पंख गिरा तो वो प्रेम का उपहार है, भगवान उठाया और अपना सर पर लगा दिया। ये चौथा कारण है। पंचमा कारण बताए, कृष्ण एक दिन जा रहे थे, देखा मेन रोड के ऊपर में जो मोर पंख बड़ा हो, वो मोर पंख ने कहा कृष्ण मैंने जिनको पीछे लगा था ना उसने मेरे को देखो कैसे त्याग दे दिया, देखो मेन रोड में मेन रोड के ऊपर पड़ा हुआ। कृष्ण ने कहा चिंता क्यों करते हो? जगत में जिसको कोई भी पूछने वाला नहीं
पूछने वाला मैं हूँ, इसलिए भगवान मोर को पकड़ाया और अपना सर पर लगा दिया था गुरु जी, क्योंकि भगवान बड़े दयालु थे। बोले हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति, भगवान करुणा के समुद्र है, दीनों के ऊपर प्रभु बड़े दया करते हैं, इसलिए भगवान मोर को लगाते हैं। बोले बरहा पीड़ा मुन्नक बर बपू, बोले भगवान के स्वरूप कैसे है, बोले नटबर है। नटबर मतलब शंकर जी को बताया कि नटराज है, शंकर जी नटराज है, और कृष्ण कौन है, बोले नट मतलब शंकर, पर मतलब होता है पति, बोले शंकर का भी जो पति, बोले शंकर जी की पति कैसे बन गए, हम आगे सुनेंगे। जब भगवान रास करते हैं, शंकर जी गोपी बन करके प्रभु का रास दर्शन करते हैं, इसलिए उनका नाम गोपीश्वर महादेव। गोपियों का पति कौन है, श्याम सुंदर कन्या है, इसलिए बोले भगवान कौन है, भगवान बोले कर्णयो कर्णिकार, बोले दो कानों में एक कलियर लगाते हैं, बोले क्यों दो क्यों नहीं लगाते, बोले जब भगवान मस्ती से चलते हैं ना, कभी इधर का फूल इधर, इधर का फूल इधर लगाते हैं, और जब कृष्ण नंद भवन में रहते हैं गोपियों को से बोल नहीं सकते हैं, आज मैं किधर गैया चराना जाऊंगा, आज निकुंज कहाँ बनेगी, हम दोनों कहाँ मिल गए, कृष्ण बोल ही नहीं सकते गोपियों को, इसलिए कृष्ण जिधर जाएंगे ना वो उन लोगों को उधर लगा देते हैं और ऐसे कर देते हैं, गोपियां इस तरफ में आ जाते हैं, आज मैं उधर जाऊंगा, इसलिए कहते दो कान में एक कलियर फूल लगाते हैं। बोले कर ले हो करनी कारम, बोले विभ्रत दास कन विषय, बोले भगवान का जो वस्त्र का रंग पीला है, बोले भगवान पीले रंग का वस्त्र क्यों पहनते हैं, बोले कारण है, बोले तत्काचन गौरी राधारानी का जो रंग है पीला रंग है, इसलिए कृष्ण राधा रानी का विशेष प्रेम को प्रकट करते हुए वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। बोले राधा रानी कौन सा वस्त्र धारण करती है, बोले नील वस्त्र गौरी और नील रंग का संग पहनती, बोले क्यों, बोले कृष्ण का रंग नील रंग है, बोले भाई जयंती च माला, भगवान गले में जो माला पहनते हैं उसका नाम वैजयंती माला है, वो गले से लेकर के चरण तक कभी पांच रंग और सात रंग, बोले ऐसे क्यों, बोले भगवान की जो भक्ति है, भगवान को बताया अखिल रसामृत मूर्ति, बोले सारे रसों का जो मूर्तिमान स्वरूप कौन है, बोले भगवान ही, बोले रस कितना, बोले बारह रस है, पांच मुख्य रस और सात कम रस, इसलिए ये बारह रस है। कहते हैं ये भगवान कभी ये जो पांच रंग का कभी फूल, कभी सात रंग का फूल, मतलब भगवान अपना भक्तस्थल भी, अपना भक्तों को अपना भक्तस्थल में प्रभु धारण करते हैं, ठाकुर जी भक्तों को कभी छोड़ते नहीं, इसलिए ये पांच रंग सात रंग की माला पहनते हैं। बोले रंधार बेणु रथ रस, भगवान बंसुरी बजाते हैं, बोले कृष्ण बंसुरी क्यों बजाते हैं, बोले बंसुरी में दो गुण है, बोले पहला गुण क्या है, अब देखना बंसुरी बीच में खाली है, उसमें कोई बीच में गांठ नहीं, पूरा खाली है, कृष्ण शिक्षा देते हैं मेरे पास में बंसुरी बन करके आओ, मतलब दिल को खाली करके आओ, भर करके नहीं, तभी तो मैं बजाऊंगा तुमको, अगर तुम पहले भर करके आओगे तो मैं कैसे बजाऊ। और दूसरा गुण कृष्ण जैसे चाहते हैं बंसुरी ठीक वैसे बजे, अगर हमारी अंदर में दो गुण हो जाए ना, पर भगवान ने हमें बजाना शुरू करते हैं, इसलिए कभी कभी राधा रानी कहती है अगली जन्म को और मैं राधा ही नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तब तो मैं बंसुरी बन करके आऊंगी, क्यों सखिया ये बंसुरी का अपना शौक माना, बोले कृष्ण को और हम को भी और कृष्ण की अधरा मृत में हमारी अधिकार, लेकिन देखो देखो तो सही, ये बंसुरी हमें अंगूठा दिखा दिखा करके हमारा जो अधिकार कृष्ण की अधरा मृत को, यही सब अधरा मृत काम करना है, कृष्ण की अधरा मृत कितने सुंदर लाल रंग की, लेकिन ये सारे रस को यही पी पी करके कृष्ण का अधर को देखो कैसे ये पीला पड़ गया है, कृष्ण कभी ये बंसुरी को छोड़ते नहीं, कभी कमर में, कभी हाथों में है, कभी अधर में, कभी कोई छोड़ते नहीं, इसलिए राधा रानी
अली की वर में अब मैं राधा नहीं बन करके आऊंगी, आऊंगी तो ये बंसुरी बन करके आऊंगी, पर श्याम सुंदर मुझे हर समय अपना पास नहीं रखा करेंगे। राधा रानी कहती है देखो ये बंसुरी की कितने सौभाग्य है, जैसे किसी राजा महाराजा की सेवा हो कृष्ण ऐसे ही बंसुरी की सेवा करते हैं। कृष्ण कैसे बंसुरी बजाते हैं मेरे तरफ में देखो, ऐसे बंसुरी बजाते हैं। राधा रानी कहती है कृष्ण तो अंगुल के ऊपर में बंसुरी रखते हैं, जैसे डल्लब गति के ऊपर में कोई राजा महाराजा से विश्राम करते हैं। भगवान का अंगुल कितने होता है, क्या करता है उनका चरण दबाते हैं, यदि कृष्ण जो अंगुल चला रहे हैं वो अंगुल ही उसका चरण दबा रहे बंसुरी की। कृष्ण का कान में कुंडल है, बोले ये कुंडल क्या, बोले कुंडल नहीं, जैसे किसी राजा का सर को ऊपर नहीं छतरी धारण करते हैं ऐसे ही कुंडल ऐसे होता है, उसको सर को ऊपर छतरी धारण करके रखे और ऊपर जो पलक झल रही है बोले पलक नहीं, जैसे किसी राजा महाराज को पंखा दिलाते हवा करते हैं उनका पलक नहीं झप रही है, ये बंसुरी कृष्णा उसका हवा कर रहे हैं। इसलिए राधा रानी कहती है चलो हम श्री पूर्णमासी के पास में चलते हैं, क्योंकि ये पूर्णमासी ये सब कुछ जानती है, ये बंसुरी पूर्व जन्म में ऐसे क्या तपस्या की है जो ये बंसुरी बन करके आए, फिर हम ऐसे ही तपस्या करके श्री बंसुरी बन करके आएंगे, कृष्ण हमें हर समय अपना अधरा व्रत को पार कराएंगे। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय श्री राधे। इसलिए कृष्ण जब सखाओं को साथ में ये वृंदावन में सखाओं को साथ में गैया चराने जाते हैं कहते तो वृंदावन कितने धन्य है, हर अवतार में भगवान ने पादुका ग्रहण की, केवल कृष्ण ही ऐसे एक अवतार हुए जो नंगे पैर में वृंदावन में भ्रमण की, उनका चरण स्पर्श पा करके राधा रानी कहती जो घास नहीं कृष्ण का चरण स्पर्श पा करके जैसे रोंगट खड़े हो जाते थे, ये घास रूप में पृथ्वी अपना जीवन का धन्य कर मानते हुए रोंगट खड़ेंगे। कहते जो झरना है बोले ये झरना नहीं, बोले ये क्या है, जैसे प्रेम से आंखों से आंसू झरती हैं, ये पृथ्वी ये झरना रूप में आंखों का आंसुओं को प्रवाहित कर रही है। इसलिए कृष्ण जब सखाओं के साथ में वृंदावन में प्रवेश करते ही सखा लोग भगवान की जयकार करते हुए वृंदावन में भ्रमण करते हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री व्यास देव जी ने पहला चेले को एक श्लोक सिखा दिया। सुखदेव गोस्वामी बहुत बड़े ब्रह्मज्ञानी थे, वो छोटे मोटे नहीं थे, बोले परिनिष्ठित पिता ने उत्तम श्लोक ले लिया है, वो संपूर्ण ब्रह्म में डूबे हुए थे, लेकिन हमारे कृष्ण इतने सुंदर है, बांके बिहारी इतने सुंदर है, प्रभु जी बताए ना बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन रह गयो लटा का। जब सुखदेव गोस्वामी पहले को निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे, वो क्या सोचते थे भगवान का तो रूप नहीं लीला नहीं, वो तो निर्विशेष था, वो यही ध्यान करते थे, लेकिन जब उन्होंने श्री बांके बिहारी कितने सुंदर उसको सुने, उन्होंने ब्रह्म ज्ञान को पीछे रख करके बाहर निकल के कहा कि बोले भैया ये बताओ ये श्लोक तुमको मिला कहाँ से, बोले हमारे गुरु जी ने बताया मेरे एक तोता कहीं उड़ते हुए चला गया उसको पकड़ करके ला दो, हमने कहा भैया जंगल में बहुत सारे तोते हैं हमें क्या पता तुम्हारी तोता कौन है, बोले मेरे तोते को पकड़ने का जरूरत नहीं, ये श्लोक सुन करके जो अपने आप पकड़ में आएगा वही मेरा तोता है, बोले मैं वही तोता हूँ, मैं वही तोता मैं हूँ, बोले देखो वो तो देखने में बड़े सुंदर है, वो तो देखने में बड़े सुंदर है, देखो ध्यान देखो सुनो यहाँ पर बताए हम कृष्ण भक्ति क्यों करें, और भी तो 33 करोड़ देवा देवी, लेकिन हम कृष्ण भक्ति क्यों करें इसका कारण बता रहे हैं। अब एक मन से सुना, एक उदाहरण दिया, जैसे आप अपना बेटी को शादी देना चाहते हो, बेटी को कहीं शादी देना चाहते हो, आप बताओ सबसे पहले क्या देखोगे,
तो वो लड़का देखने में कैसे, सबसे पहले वो कैसे पर्सनालिटी, भले ही कोई चीज मत देखो वो देखोगे उसका पर्सनालिटी कैसे है। बोले भैया देखने में तो बड़े सुंदर लड़का है, इसलिए कृष्णा वो इतने सुंदर कृष्ण है। कभी कभी बड़े गोपियां ताना मारती है, बोले नन लाला तू यदि हो तो लाली गला कटेगा भी कर रहे, अच्छा क्या तेरे को परमात्मा ने लाली नहीं बनाकर लाला बना दिया। कहता अगर तू लाली बन जाना तू इतने सुंदर है, ये पृथ्वी पे जितने लोग तेरे को पाने के लिए आपस आपस में भर जाते सबके सब, क्या हो गया तो लाली नहीं बनकर लाला बना, इतने कृष्ण सुंदर है। इसलिए जगत में सबसे सुंदर श्री भगवान श्री कृष्ण कन्हैया। पहले पार्सनल देखोगे, दूसरी चीज लड़का तो देखने में सुंदर है, पर दूसरी चीज क्या देखोगे, भैया वो बेटा देखने में तो बड़ा सुंदर है, कोई काम धाम करता कि नहीं, कोई पैसा कमाता भी नहीं, ये बेटी को खिला पाएगी कि नहीं, ना बेटी भूखे मर जाएगी, दूसरी चीज देखोगे। अभी दूसरा चेला ने पूछा 40 से पहना, बोलो कृष्ण तो देखने में बड़े सुंदर है, भैया ये बताओ कोई कहाँ रहते हैं, उनका घर कहाँ पर, कोई कमाता धमाता कि नहीं, कोई पैसा है कि नहीं। इतने में दूसरा चला बोल दिया, बोले जयती ते स्वभाव पूछ रहे हो,
वो इतने अच्छे स्वभाव है, इतने दयालु। चौथा चेला ने बताए, बोले अहो बकियम स्तन काल कूटम जिज्ञासया भी असाल भी ले भे धातु चितम गतुन्य कंबा दयालु शरणम तजे। चौथा चेला ने कहा, इतने दयालु जो कुंदना जब कृष्ण के पास में गई थी, वो चहर तन में चहर लेकर गई थी, वो राक्षस थी, बच्चों का खून पीने वाली थी, मैं खून पीने वाली थी, लेकिन हमारे कृष्ण इतने दयालु, कृष्ण इतने कृपालु, गुना अवगुना प्रभु देखो ना, ठाकुर जी किसका अवगुण ही नहीं देखते, केवल उनकी खून का प्रति नजर देते हैं। वो जो केवल माँ के रूप धारण करते हुए गई थी, ठाकुर जी उसको गोलक वृंदावन स्थान दे दिए, एकदम गोलक वृंदावन में उनको भेज दिया। इतने कृष्ण दयालु है, इतना सुनते ही सुखदेव गोस्वामी दयालु शरणम ब्रज मा, ऐसे कृष्ण को छोड़ करके हम और किसको भजन करें। भजन करते श्री वाक्य भी भजन करें और किसको नहीं, मना कर दिया। जानते हो क्यों किया? कृष्ण भक्ति करके, अगर आप कृष्ण भक्ति कर रहे हो, अगर तुम्हारी गलती हो गई, भक्ति ठीक से नहीं कर पाए, पवित्र अपवित्र कृष्ण कुछ नहीं देखते, केवल तुम्हारी भाव को देखते हैं। लेकिन अगर दूसरे देवा देवी को भक्ति कर रहे हो, थोड़ी सी इधर उधर मंत्र में पूजा थोड़ी सी इधर उधर हो गया ना, देने का लेना पड़ेगा, लेना का देना पड़ जाएगा, वो पूरा उल्टा रिएक्शन तुम्हारे ऊपर होगी, पूरा उल्टा रिएक्शन होगी। लेकिन कृष्ण भक्त में कुछ नहीं होगा, क्योंकि कृष्ण माँ है, कृष्ण हमारी कहना तुम्हें वो माता जो पिता तुम्हारी हो। जैसे कोई बच्चा अगर मैया की गोद में साक्षात कर दे, माँ क्रोध करती है नहीं करती, उसका साफ सुथरा कर देती है। उसी तरह हमारी जो पिता माता है ना, कृष्ण ही है, और जो दूसरे देवा देवी को साथ में हमारा कोई संबंध नहीं, हमारा कुछ नहीं लगते वो लोग। इसलिए अगर थोड़ी इधर उधर से भक्ति भी होगी, वो पूरा के पूरा कर उल्टा रिएक्शन होगी। लेकिन कृष्ण भक्ति में भी उल्टा रिएक्शन कभी नहीं होगी, बल्कि तुम्हारी अच्छे गुण को बाकी ध्यान देखेंगे, बुरे गुण में नजर नहीं देते। इसलिए सुखदेव गोस्वामी हाथ उठा करके आए और श्री व्यास देव जी को पूरी श्रीमद भागवत कथा सुनाए। प्रसि वृंदावन बिहारी लाल की, प्रसि कृष्ण कन्हैया लाल की, जय जय श्री राधे। अभी भागवत ग्रंथ का ये वक्ता है, बोले भागवत ग्रंथ का श्रोता कौन है? बोले ये परीक्षित महाराज। यहाँ पर महाभारत आरंभ होता है, हैं? यहाँ पर परीक्षित महाराज की कथा सुनाते हैं। ये परीक्षित भी साधारण नहीं, देखो यहाँ पर महाभारत की कथा आती है, कहते हमारे घर में भी महाभारत कभी कभी हो जाती है। बताओ ये महाभारत क्यों हुई है? दो कारण से, आप लोग ध्यान करके सुनो, दो कारण से ये महाभारत हुई है। पहला कारण था कि द्रौपदी ने इतनी सी बात बता दी, अंधा का बेटा अंधा होता है, अंधा का बेटा अंधा होती है। देखो सारा शरीर में हमारी हड्डी है, ये अंगुल में हड्डी है इसको सीधा कर लेते हैं, हाथ में हड्डी है उसको सीधा कर लेते हैं, कमर में हड्डी है हम बैठेंगे, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं है। आप बता सकते हो किस चीज में हड्डी नहीं? बताओ तो कौन सा चीज में हड्डी नहीं? इसलिए हर समय लबर 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 देखना। घर की महाभारत का मूल कारण क्या? ये द्रौपदी ने इतनी सी बात बताई, अंधा का बेटा अंधा होता है, यही महाभारत के कारण होंगे। हमको बताए रामायण क्यों बनी? केवल सीता ने थोड़ी सी जिहा चलाई, माता सीता ने उन्होंने जिहा कब चलाई? जब भगवान राम को बोले कि मारुची को पकड़ करके ला दो, भगवान राम बोले लक्ष्मण तू सीता को छोड़ करके जाना नहीं, मैं इसको पीछे जा रहा हूँ पकड़ने के लिए, लेकिन वो था राक्षस। जब भगवान राम ने बाण चलाया, इतने भी मारिच ने बड़ी तेज से बोले भैया लक्ष्मण, इतने में सीता बोली तुमने सुना राम को अगर कोई विपत्ति आ गई, लेकिन लक्ष्मण को विश्वास है कुल पर उतने राम परम ब्रह्म जी, उनको पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती, नहीं
भैया ने मेरे को मना की आपको छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। इतने में सीता जी केवल जुहा चलाई, अभी मेरे को पता लग पाया ओ राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे, लक्ष्मण कहाँ सहन कर सकता, तो माँ मानती है, माँ मानती है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखो काट कर उन्होंने चली गई। बोले ये रेखा पार नहीं करना, सीता ने दो गलती की है, पहला तो अपना जुहा तो चलाया और दूसरा गलती उन्होंने लक्ष्मण रेखा को उन्होंने उल्लंघन किया और रावण उठाकर उसको रावण उठाकर ले गए। देखो यहाँ माताओं को शिक्षा देते हैं हमें अपना मर्यादा से बाहर कभी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो हमें भी रावण उठा कर ले जाए। दूसरी चीज कभी ये जुहा बंद चलाए करो, ये द्रौपदी और सीता ये दो गलती की उन्होंने जुहा चलाया। आप देखना संसार में क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों लड़ाई हो रही, केवल कभी कभी भाई भाई कुछ नहीं हुआ इधर उधर, बस कभी किसी ने कुछ हुआ ही नहीं, केवल जीवा थोड़ा फिसल गया, जीवा से कोई कोई गलती चीज निकल गई। देखना घर घर में लड़ाई भाई भाई बहू बहू में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाती है, अनर्थ प्रारंभ हो जाती है। शिक्षा देती है माताओं को कभी भी जीवा को इधर उधर मत चलाया करो। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बताया अगर ज्यादा बोलने की इच्छा है ना भगवान का नाम जप करना, एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 हमें मिल जाए और इसको सब भारत में सबके सब क्या, लेकिन सारे संपत्ति हमें मिल जाए, ये महाभारत से दो कारण से ये महाभारत हुई है। इसलिए हमें भी सावधान करते हैं कि दो चीज से जरूर बचे रहो, फिर महाभारत से भी हम बचे रहेंगे। इसलिए यहाँ पर श्री जिस समय श्री उत्तरा के गर्भ में श्री अभिमन्यु श्री परीक्षित महाराज थे, उसी समय में श्री अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। देखा ये पांडवों को मैं निर्वंश कर दूंगा, इतने में उत्तरा ने दौड़ दौड़ करके कृष्ण को शरण में आ गया। बोले कृष्ण रक्षा करो मेरे लिए, मैं चिंता नहीं करती हूँ, लेकिन मेरे गर्भ में पांडवों का धरोहर रूप में अंतिम स्थान हूँ, अगर वो मर गया तो फिर तो पांडव वंश निर्वंश हो जाएगा, इनको पिंड करने के लिए कोई नहीं रहेगा। इतने में भगवान कृष्ण गर्भ में प्रवेश करते ही प्रवेश करते हुए अभिमन्यु को उन्होंने कमल उसको ऊपर उनको लेटा दी, फिर शंख को ऊपर दी, फिर उसको चक्र को छोड़ दिया, फिर कृष्ण गदा को लेकर के चारों तरफ में घूमते रहे। बोले ऐसे क्यों किया, बोले अगर कभी चक्र अगर कभी फेल हो गया ना फिर गदा दिए है, मतलब भगवान भक्तों को कैसे रक्षा करते हैं। इसलिए श्री परीक्षित महाराज के गर्भ में उन्होंने भगवान को दर्शन किया था, जो बाहर निकला सबको परीक्षा कर रहा था, गर्भ में मैंने जो भगवान को दर्शन की भगवान कहाँ थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित बदला। पर श्री परीक्षित महाराज की जब जब कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयारी होते थे, पांडव लोग कुछ ना कुछ बहाना बना देते थे, जाने नहीं देते थे। एक दिन भैया कुंती ने भगवान को बड़ी सुंदर स्तुति करती है, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने नमो पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजाग्रय। ठाकुर जी की सार स्वरूप को कमल को साफ उदाहरण मिला, हस्त कमल चरण कमल नेत्र कमल नाभि कमल सब कमल कमल, बल क्यों, बोले कमल जैसे सुंदर है, कमल से जैसे खुशबू निकलती है, वही सही ठाकुर जी बड़े सुंदर है, ठाकुर जी बड़े सुंदर है। भैया कुंती बोली बोले कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमार
गोविंदाय नमो नमः। बोले प्रभु आपका ये कृष्ण स्वरूप का जो भजन करता है वो जगत में सबसे बड़ा सौभाग्य हुआ। उनसे बैठी वसुदेव क्यों बोले तू जगत पिता जगन्नाथ हो लेकिन वसुदेव का बेटा बन करके आए हो। बोले उनसे ज्यादा सौभाग्यवान बोले देवकी। बोले क्यों बोले आप किसकी गर्भ में आए हो श्री देवकी की गर्भ में आप आए हो इसलिए विश्व ब्रह्मांड तेरे उदर में लेकिन तुमने उदर में आए देवकी की मतलब है पिताजी से माता का सौभाग्य ज्यादा है। क्यों बच्चे को माँ ही गर्भ में धारण करती है वही प्रसव देती है वही बच्चे को पालन करती है इसलिए पिताजी से माता का ज्यादा सौभाग्यवान। बोले उनसे ज्यादा सौभाग्यवान कौन बोले नंद गोप कुमारायो। बोले नंद बाबा ज्यादा सौभाग्यवान। बोले क्यों कृष्ण तो मथुरा में प्रकट हुए लेकिन उनको कलने में झुलाया किसने स्तन पिलाया किसने उनको टुमुक टुमुक करके चलाना किसने सिखाया बोले श्री नंद और यशोदा। इसलिए बोले नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। हर जोर से बोलो जय कन्हैया लाल की। लाल की देखो कल भगवान कृष्ण जन्म लेने वाले इसलिए कल हम लोग बड़ी धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे और जितने माता है ना जब मैया यशोदा गर्भ धारण की जितने ब्रज की गोपियां थी 84 ब्रज की लहंगा बना कर 6 महीना पहले रखी चुनरी बना करके रखी और जितने ब्रजवासी पुरुष लोग थे बगलवती धोती पकड़ी बना करके रखी बोले हम इसको कहीं निकल के बधाई देने जाएंगे इसलिए कल जितने माता है ना सब गोपी भाव से आना देखो ठाकुर को भाव ग्रहण करने वाले भाव ग्राही जनार्दन सबके सब पीला रंग की साड़ी पहन कर जाना और कोई साड़ी नहीं कौन सा रंग की पीला अगर नहीं हो ना दूसरे घर दूसरे से उधार करके मांगना लेकिन पहनना पीला रंग हाँ देखो और इसलिए ध्यान रखो ऐसे नहीं अपना पति को परेशान कर दो हमारे घर में पीला रंग नहीं और महाराज बोले पीला रंग के पहनने की बड़ी साड़ी ला दो कोई बात नहीं जैसे कोशिश करना जैसे पीला रंग की जैसे साड़ी पहनो और जो है वही पहन करेगा ठीक है। हमारे जो भाई लोग हैं बताओ आप क्या पहन कर जाओ आपके सबके सब धोती पहन कर जाओ धोती है घर में देखो धोती पहननी सीखनी चाहिए देखो ये अंग्रेजी लोग कैसे धोती पहने देखो ये विदेश से होकर धोती पहन रहे हैं ये धोती तो हमारी संस्कृति है भगवान कृष्ण को देखो राम को देखो क्या पहने हनुमान जी देखो क्या पहले वो धोती पहन वो सबके सब धोती पहन इसलिए कोशिश करना अगर धोती हो तो अच्छी बात अगर धोती नहीं हो कोशिश करना सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहन कर आती है ठीक है ना। और ये जो कथा है सब आप लोगों की मदद से कथा हो रही है इसलिए कोशिश करना जैसे हम उसमें लुटाते हैं ना टपकी बतासा खिलौना लुटाते हैं ऐसे ही आप लोग कुछ ना कुछ तो अपना घर से लेकर के आना और वो चीज आपको ही मिलेगा आपको ही लुटाएगा आपको ही मिलेगा। एक बच्चे का कर्तव्य में आप कितना क्या क्या व्यवहार करते हो कितने करते हो अगर भगवान के लिए करोगे ना कितने कृष्ण ही तुम्हारा लाला बन कर क्या करेंगे ठीक है। इसलिए श्री नंद बाबा श्रेष्ठ है बोले नंद बाबा का श्रेष्ठ कौन है बोले ब्रज गोपियां है भगवान जिसको साग्रास किया है बोले उनसे श्रेष्ठ कौन है बोले सर्व गोपेश द्वैता विष्णु कृष्ण बोले बुआ जी तुम तो उल्टा झूला बना रहे हो मैं तो तुम्हारी भतीजा हूँ बल्कि यही तो तेरी माया है कन्या तेरे माया समझना बड़ा कठिन है बड़े बड़े व्यक्ति भी मुक्त हो जाते हैं। कृष्ण ने कहा जब आप इतनी स्तुति कर रहे हो आज मेरे पास में जो कुछ मांगोगे आज मैं तुमको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उसी समय कुंती कहती है कन्हैया अगर देना चाहते हो मेरे झोली में विपत्ति भर दो। बोले बुआ जी सारा दुनिया मेरे को संपत्ति मांग रहे हैं तुम विपत्ति क्यों मांगते हो। बोले कृष्ण बोले सुख के मांग सील पड़े जो राम हृदय से जाए बली हरी को दुख को जो पल पर नाम जब कराए। इसलिए दुख में सुमिरण सब करे सुख में करे ना कोई और जो सुख में जो सुमिरण करे दुख भाई को आई। कृष्ण दुख में तेरी याद होता है
सुख में तेरे को भूल जाते हैं। तो मैया कुंती कहती, बोले प्रभु ये जगत में चार तरह का व्यक्ति तेरा भक्ति नहीं करेंगे। बोले कौन कौन है? बोले जन्म ऐश्वर्य सुत स्त्री कुमार। पहला नंबर है जिसको पास में थोड़ी सी ज्यादा पैसा हो, बड़ा अभिमान आता है। बोले कथा नहीं, तो कथा में कौन जाता है? अक्सर करके देख रहा हूँ सत्संग में ज्यादा सुनने को नहीं मिलता, देखने को नहीं मिलता है, तीर्थ में नहीं आए और गए। उनको कई शराब की दुकान में देखोगे, जुआ, जितने गंदे चीज का कोई पर देखो। हाँ, अगर जिसको पास में पैसा है, अगर प्रभु की भक्ति कर रहे, समझना ठाकुर की बड़ी कृपा है। देखो हम किसी किसी कभी बोलते हैं भैया कथा में आओ, थोड़ा सा समय नहीं, हम बहुत बिजी है, हम बहुत बिजी है, इसलिए हम कथा में नहीं आ पाते हैं। भैया जिसने तुमको बिजी रखा है, जिसने तुमको बिजी रखा है वो तुमको फ्री भी कर सकता है, तो मैं फ्री भी कर सकता है। भगवान कहते हैं ना, मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ, मैं तेरे तरफ में दस कदम बढ़ाऊंगा। दस कदम बढ़ाओ का है, अगर भगवान की कथा के लिए समय निकालोगे ना। देखो आपको मैं अपना गुरु जी की कथा सुनाता हूँ, अब ध्यान से सुनो। हमारे जो गुरु जी एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे, इनकी कथा सुनो। सर्दी में आए, ध्यान देखो, ये पुलिस ऑफिसर थे, लेकिन इनको सत्संग में इतने रुचि, कहीं अगर सत्संग होगा जरूर जाते थे। इतनी कोई संत सत्संग में आए, घर में आए। जब हमारे गुरु बड़े गुरु जी को पता चला, वो बिहार के बक्सर के, वो सत्संग सुनने के लिए गए। लेकिन उसी दिन क्या हुआ, उनके जो बड़े ऑफिसर था वो चेकी करने के लिए आया, देखा कि लोग गिफ्ट कैसे देते हैं। वो चेकी करने के लिए आया, जब चेकी करने के लिए आया, गुरु की कथा सुनने में बैठे, सत्संग में बैठे। अभी भगवान की चिंता लग गई, ठाकुर जी को चिंता लग गई, ये तो सत्संग में मेरी कथा सुन रहा है। कृष्ण स्वयं पुलिस भर कर चले गए, और वो जो बड़ा ऑफिसर दूर से चेकिंग कर रहा था ये कैसे ड्यूटी दे रहा है, वो एकदम अच्छे तरह से भगवान कृष्ण इतने मतलब बढ़िया से ड्यूटी दे रहे थे, भाग दौड़ करना अच्छी तरह से। वो बड़ा ऑफिसर दिखा तो बड़ा ईमानदार है, ये तो बड़े अच्छे तरह से, ये बड़े अच्छे तरह से ड्यूटी दे रहा है। कल से इसका पोस्ट करो थोड़ी और ऊंचा पोस्ट करते, क्यों? बढ़िया से ड्यूटी करना है। वो चला गया। गुरु जब सत्संग से गए, उनको किसी ने कहा बड़ा अफसर ने आज चिट्ठी करने के लिए आया था, मृत्यु तो था ही नहीं, गुरु जी करे अभी क्या हो ना हो, नौकरी नहीं चली जाए, नौकरी चली जाए। फिर जब गुरु जी ऑफिस में गए, और जब ऑफिसर इतने प्रसन्न हो गया, बोले देख मैं चाहता हूँ तेरे नौकरी को थोड़ी सी ऊंचा पोस्ट में दे दूँ, क्योंकि मैंने देखा है कल तुम बड़ी सुंदर से तुम अपना ड्यूटी दे रहा हो, बड़े सिंसियर बैठकर। गुरु जी तो बोले भैया मैं पहले ड्यूटी में भाई, मैं तो गया था सत्संग में गया था, फिर ये ड्यूटी कौन किया? समझ गए, भगवान कृष्ण खुद कहते हैं मेरे तरफ में एक कदम चढ़ो तेरे तरफ में मैं दस कदम करूंगा। ये कृष्ण स्वयं मेरे रूप धारण करते हुए ये ड्यूटी दिया गुरुदेव ने, तब भी उन्होंने नौकरी छोड़ करके उन्होंने गुरु जी को अगर जो और उनको जो गुरु जी के पास में आए और उन्होंने इतने भजन किया, संपूर्ण विश्व में उन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति बचाई। इसलिए पैसा देने वाले कौन है? ठाकुर जी, जो हमें बिजी रख सकते हैं। है? पैसा देने वाला तो वही पैसा है ना, क्या तुम्हें ज्यादा पैसा दे दिया इसलिए कथा के लिए समय नहीं मिला, और जितने गंदे काम के लिए समय, कोई पार्टी हो शादी हो पहले दयन बैठते। इसलिए माँ कुंती कुंती कहती है, बोले प्रभु चार व्यक्ति तेरे भक्ति नहीं करेंगे। पहला नंबर है जिसको पास में ज्यादा पैसा आ जाए, अभिमान आ जाता है। दूसरे व्यक्ति जिसको ऊंचे कुल में जन्म हो गया। तीसरा व्यक्ति जिसको तेरा ज्ञान हो गई। चौथा व्यक्ति इसका बड़ा बड़ा सुंदर हो गया। बोले प्रभु ये चार व्यक्ति बड़े अभिमान करते हैं, उनको कथा में सहजने को दिखेंगे नहीं, वो जितने गंदे काम पर दिखेंगे वहीं पर बैठ हुए दिखेंगे। इसलिए बोले कौन तुम्हारी भक्ति करते हैं? बोले नमो अकिंचन विदाय निप्रीत दोनों हृदय है। इसलिए अक्सर राम के जितने भक्ति देखो, गुआ का चंडाल है, श्री गुआ का चंडाल देखोगे, विभीषण को देखोगे, हनुमान को देखोगे, साधारण भक्ति गुरु का भक्ति करते हैं। इसलिए माँ उनकी बड़ी स्तुति की। इतने में से भीष्म की अंतिम
सज्जा में लेटे हुए इनकी इच्छा भी अंतिम श्वास प्रभु का दर्शन करते करते उनका नाम लेते लेते अंतिम श्वास त्याग करना चाहता हूँ। भगवान कुंती की इच्छा को पूरी की। अभी भगवान कृष्ण ये संसार छोड़ करके चले गए, भैया कुंती भी शरीर छोड़ दी, पांडव भी ये दुनिया को शरीर छोड़ करके चले गए। तो जाने से पहले बद्रीनाथ को वृंदावन का राजा बनाए और श्री परीक्षित महाराज को इंद्रप्रस्थ का राजा बनाए। एक दिन परीक्षित महाराज ने देखा कुछ अनहोन सा जैसे लग रहा है, तब उन्होंने भ्रमण करने के लिए गए परिदेश में, कहाँ अनहोनी हो रहा है। उन्होंने एक आश्चर्य घटना देखा, एक गैया तो बड़ी दुखी होकर रो रही है, देखा एक बैल का तीन प्यार नहीं और एक प्यार में एक बैल खड़ा हुआ और एक प्यार को भी एक राक्षस जैसे व्यक्ति वो एक प्यार को भी तोड़ने के लिए कुछ कर रहा था और वो पिता मित्र को विसर्जन कर रहा था। परिकृत महाराज तलवार निकाली और झपट पड़े मारने के लिए, वो था साक्षात कली। उसने सीधा उनके चरण में लेट गए, बोले तुम कौन हो, बताओ तुम कौन हो। बोले मैं पली हूँ। बोले ये बैल कौन है। बोले ये धर्म है। बोले इसका तीन प्यार कहाँ गया। बोले धर्म का चार चरण है, सत्य तृतीया द्वापर कली, तीन युग बीत गई, धर्म का तीन चरण खत्म हो गई और ये कली ये चाह रहा है कली युग में कोई धर्म कर्म रहने नहीं देगा, सारे धर्म कर्म को खत्म कर देगा। परीक्षित महाराज बोले जब तक मैं रहूंगा तब तक तेरा कोई स्थान नहीं। वो रोने लग गए, जब आप सबको स्थान दिया मुझे भी स्थान दो। परीक्षित महाराज सोच रहे हैं यद्यपि कली युग में पापी पाप है, उन्होंने कली युग में एक गुण भी है। बोले क्या गुण है। बोले कली युग गए बलना बैठा दिया भाई नहीं गए उस पर बात न कर पत्नी को भी मैंने जुआ में बढ़ा दिया द्रौपदी को
और भरी सभा में उसकी वस्त्र हरण देखना पड़ा और उसको बाद में 12 साल तक वनवास और 1 साल तक अज्ञातवास जाना पड़ा और कितने कष्ट हमें भोगना पड़ा, कितने कहां सम्राट युधिष्ठिर महाराज कंक बन करके रहना पड़ा बृहद राज्य में। सर्वश्रेष्ठ कार्यकारी अर्जुन उन्होंने बृहद का काम की भीम सर्वश्रेष्ठ गदाधारी रुसिया बना, द्रौपदी जैसे विश्व सुंदरी वो शैलेंद्र का काम करते, वो केस वो संभाल रही, मतलब शिक्षा देते खबरदार कभी ये जुआ में हाथ मत लगा, कोई जुआ खेलना तब भी जुआ में हाथ मत लगाओ, अगर इतना दुख होगा तो जुआ में हाथ लगाओ। इसलिए धर्म का पहला चरण खत्म। दूसरा बोले पानम, पानम का मतलब है किसी तरह का कोई नशीली वस्तु का, जैसे पान बीड़ी सिगरेट अफीम गंजा भांग शराब गुटका फुटका में मत लिया करो, नशा हो एक चीज की नशा हो, प्रभु की भक्ति की प्रेम की नशा हो, जो नशा कभी उतरती नहीं वो नशा बढ़ती रहती है और सारी नशा उतर जाती है, और जो शराब है शराब तो पीनी नहीं चाहिए। देखो संत लोग कहते हैं जो शराब पीते हैं ना उनको 3 लाभ है, कितना लाभ है, कितना लाभ है, 3 लाभ। पहला लाभ है जो शराब पिएगा वो बुरा नहीं होगा, दूसरा लाभ है उसकी घर में चोरी नहीं होगी, तीसरा लाभ है कुत्ते उसकी दोस्त बन जाए। बोले भैया मतलब क्या है, पहला लाभ क्या, वो बुरा नहीं होगा। बोले बुरा कब होगा, जिंदा रहे तब तो बुरा होगा, वो तो पी पी करके आधा उम्र में खत्म हो जाएगा। देखो ये लोग रशिया से आए ना, इनकी रशिया में मैं प्रचार करने के लिए जाता हूँ, मैंने वहाँ पर बूढ़ा लोग को ज़्यादा नहीं देखा और ज़्यादा लड़की 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 लड़की। मैंने पूछा भैया ये रशिया में इतने लड़कियाँ कैसे और यहाँ पर इतने बूढ़े क्यों नहीं मिल रहे। तो यहाँ पर वो बचपन से शराब पीना शुरू करते हैं, बाद शराब पीते 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 आधा उम्र में खत्म और नपुंसकत्व प्राप्त करते हैं। इसलिए लड़का वहाँ पर ज़्यादा नहीं लड़कियाँ ज़्यादा वहाँ पर है, इसलिए वहाँ पर इसलिए पहला नंबर क्या, बूढ़ा नहीं बनोगे। दूसरा नंबर क्या, बोले घर में चोरी नहीं होगा। बोले चोरी कब होगा, घर में कुछ हो तभी तो चोरी हो, वो तो सब बेच बाज कर कहना कि क्या होगा, वो तो बेच बाज कर पी पा कर सब खत्म कर देगा, इसलिए फिर घर में कुछ चोरी कहाँ से होगी। बोले तीसरा लाभ क्या है, बोले कुत्ते दोस्त बन गए, कहीं पी पा कर पड़ा रहेगा और कुत्ता मुँह आ कर भोगकर चला जाएगा। कुछ दिन पहले फेसबुक में किसने एक वीडियो गिरा था, मैं अगर कल देखोगे देखोगे एक व्यक्ति कैसे बम्बई में शराब पी कर पड़ा हुआ और कुत्ता मुंह को कैसे चाट रहा था और किसने भेजा था, मेरे किसी ने दिखाया बोले बाबा देखो ये क्या चीज है। इसलिए शराब हमें नहीं पीनी चाहिए कोशिश करो। और देखो अभी दुनिया कैसे हो गया ना, दुनिया अभी जैसे शादी हो है कोई बच्चे का बार पहले पूछो ना, अगर उनको शराब नहीं पिलाया तो बोले कि कौन सा शादी बाकी नहीं। एक संत कह रहे थे, आप बुरा मत मानो, एक संत कह रहे थे जिस बच्चे का बर्थडे में शादी में तुमने इतने बोतल तोड़वा दिया तुमने और इतने जीव हिंसा तुमने करवाया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है। वो संत कह रहे थे जिस बच्चे का बर्थडे में तुमने इतने बोतल तोड़वाए मतलब शराब पिलाया और तुमने इतने जीव को हिंसा किया, वो बच्चे का कभी कल्याण हो सकता है। वो संत कहते थे अगर उसका 100 साल जिंदा हुआ ना छठ 50 साल में उतर आएगा, एकदम 50 साल में उतर आएगा, क्यों, उसकी उद्देश्य में तुमने इतने पाप कर्म तुमने करवाए। हाँ इसलिए भगवान को भोग लगाओ, भगवान के प्रसाद भोग लगाते सबको ठाकुर जी का प्रसाद पिलाओ। अगर कोई शराब भी आना नहीं चाहते उनको आने मत दो, जरूरत नहीं। पहले घर में अतिथि आते थे, अभी अतिथि नहीं, हमारे घर में शराब ही आ रही है, ज्वार ही आ रही है हमारे घर में। इसलिए हमें हमें क्या करनी चाहिए, हमें शुद्ध रूप में भगवान की हमें भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए दूसरा नंबर कोई नस्ली वस्तु मत रखनी चाहिए। और देखो चाय भी नहीं पीनी चाहिए। आप बोलोगे भैया ये चाय में क्या दोष है, कहते चाय का पत्ते में कोई दोष नहीं, वो चाय पत्ते में निकोटिन मिलाती है, जहर है, पॉइजन है, ये तफीन मिलाते हैं, इसी
उसमें नशा कर दी। पहले हमारा भारत में कोई भी चाय नहीं पीते थे, ये अंग्रेजी लोगों ने ही अपना बिजनेस को चलाने के लिए उन्होंने बिना पैसा का चाय पत्ता रखा सकते थे और स्वयं चाय बना बना करके बोले देखो एक कप जो चाय पिएगा ना उसको एक रुपया पच्चीस पैसा मिलेगा। हमने सोचा एक रुपया पच्चीस पैसा मिलेगा एक कप चाय पियो, पर पैसा हमने एक रुपया पच्चीस पैसा दिया। कुछ दिन बाद में बोले देखो तुमको एक रुपया मिलेगा, बोले एक रुपया पर एक कप चाय हमने पी। बाद में बोले तुमको पचास पैसा मिलेगा, बाद में बोले पच्चीस पैसा, बाद में बोले कोई पैसा नहीं केवल एक कप चाय पीना। अभी पीते पीते हमारे आदत बन गई। बाद में बोले देखो पच्चीस पैसा तुमको उल्टा लेना पड़ेगा, बोले लो भैया। उसके बाद बोले पचास पैसा देना पड़ेगा, बोले लो। बोले एक रुपया लो, पांच रुपया लो। अभी एक कप चाय कितना हो गया? दस रुपया हो गया। उसने हमें बेवकूफ बनाया, इतने से चार ले करके और जिसमें निकोटिन कफीन है वो चार ले करके हमसे दस रुपया निकाल दिया और हम बेवकूफ बने गए। इसलिए ये जो चाय है ना, आप बोलोगे सवेरे एक कप चाय पी लो दोपहर तक चिंतन, आप बताओ कितनी सी चाय में कोई पेट भरती है? उसमें कफीन और निकोटीन भरा हुआ जहर है। हमने ये जहर को पी करके अपना भूख को खत्म कर दिया। अरे भूख लग रहा है, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, दूध लाओ, दही खाओ ना, ये जहर क्यों पियोगे? हाँ ये जहर क्यों पियोगे? इसलिए ये चाय भी आप पीना तो के रामदेव बाबा का है, रामदेव बाबा का जड़ी बूटी आती है, कोकुल पी आती है जिसमें हेल्थ के लिए अच्छा है ना, वो चीज को पिया करो। दूध पियो, दही पियो, जिसमें हेल्थ अच्छा उसको पिया करो, जिसमें अच्छा है इसमें। कोशिश करना नस्ली बस्ती से धीरे धीरे छूट जाए। तीसरा जो वस्तु है कभी ये स्त्रियों, कहते स्त्रियों में कलिका निवास है। बोले भैया कौन सा स्त्रियों में ये कलिका निवास? बोले जो अवैध रूप में स्त्री पुरुष को साथ में और पुरुष स्त्रियों को साथ में मिलते हैं। संसार करो, शादी सुधा करके अपना पत्नी को साथ में घर गृहस्थी बैठाओ। जो गर्ल फ्रेंड और जो गर्ल फ्रेंड, ये शास्त्र इस चीज को स्वीकार नहीं किया है। बॉय फ्रेंड गर्ल फ्रेंड नहीं, संसार करो साथ। अभी इतना डाइवोर्स क्यों है बताओ? इतना डिवोर्स क्यों हो रहा है? आप कोर्ट में जाओ, भारत में अभी 50% डाइवोर्स हो रहे हैं। कारण क्या? कारण यही है हम उल्टा सीधा संगत करते हैं। फिर शादी के बाद में थोड़ी सी कुछ हुआ, लड़ाई झगड़ा, तू जा और मैं जा रहा, तू जा और मैं जा रहा। इसलिए नहीं, शादी करके पति पत्नी दोनों मिल करके अपना घर गृहस्थ बैठा, अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर पवित्रता नष्ट हो जाती है। जो चौथा चीज है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा ये सब भी खानी चाहिए, ये इसमें जीव हिंसा होता है। अगर कलयुग में केवल ये चार नियम को पालन कर लिए और थोड़ी सी खाकर का नाम रूपा समर पीड़ा पार हो जाएगी। एक बार हाथ उठा करके बोलो बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे बार जोर से बोलो बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कली को स्थान दे दिया ना, कली खुश नहीं हुआ। बोले मैं कहाँ ढूंढू, कौन जुआ खेलता है, कौन शराब पीता, कौन मांस करता है, मेरे को ऐसे ऐसे स्थान दे दो जहाँ पर ये सारे मिल जाए। तो मैंने सुवर्ण, ये सुवर्ण में ही उनका स्थान दे दिया, ये पैसा में स्थान दे दिया। देखना ये जो चार चीज का जो अधर है ना, जहाँ पर ज्यादा पैसा वहीं पर ज्यादा इसे गड़बड़ी होगी। लेकिन अगर जिसको पास में पैसा है, अगर ये गंदी चीज से दूर रहते ना, समझो उनको पर भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की विशेष कृपा है। इसलिए उन्होंने पैसा में ही ये कली को स्थान दे दिया। देखो और एक चीज समझो, आप लोग को बताओ तो माँ लक्ष्मी की बहन कौन है? कौन बोलेगा हाथ उठा? कौन है? कौन है जोर से बोला? उल्लू। उल्लू है। मतलब क्या? लक्ष्मी जब आती है
वो उल्लू के ऊपर बैठ करके आरती करो, हमें उल्लू बना दी और जितने सारे अधर्म पाप कर्म करा मिल जाते। लेकिन लक्ष्मी की औरे के बाहर एक उल्लू है, लेकिन उसकी औरे के बाहर जानते हो कौन है? फिर दूसरा बाहर है कौन है? पर आप देखना माँ लक्ष्मी कभी भी कौरव गोकर में अकेली नहीं बैठती, वो बैठती है नारायण के साथ। इसलिए जितने भगवान के मंदिर देखोगे गरुड़ का निवास गरुड़ जी है, हैं? देखो इसका रहस्य क्या, इसका रहस्य है अगर हम घर में लक्ष्मी को बुलाते माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों, बोले तुम्हें भोग करेंगे, तुम्हें भोग करेंगे। आप बताओ लक्ष्मी को भोग कर सकते हैं? आप लक्ष्मी को भोग कर सकते हो? नहीं। इसलिए तब भी लक्ष्मी वो उल्लू पर बैठ करके आती है और मंगल लाती है। अगर लक्ष्मी को घर में बुला रहे हो बोले क्यों, बोले ठाकुर को सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए, फिर वो उल्लू को पर बैठ करके नहीं, फिर वो गरुड़ को पर बैठ करके आएगी। और अगर गरुड़ को पर आए ना घर को बोला तो वृंदावन बना दे, घर को वैकुंठ बना दे। इसलिए माँ लक्ष्मी को बुलाओ, क्यों बुलाओ, ठाकुर की सेवा के लिए। घर में जो कुछ खाना बने बोले ठाकुर जी को भोग लगाओ, कोई वस्त्र आए बोले ठाकुर जी के चरण में चढ़ा है, घर में जो कुछ करो ठाकुर जी की सेवा के लिए करो, फिर घर ही हमारी भगवान की वैकुंठ बनी जाएगी। इसलिए आज एकादशी है, कौन कौन एकादशी व्रत रखे हो? हाथ उठाओ कौन कौन एकादशी व्रत रखे हो? मैंने कल इतनी कथा सुनाई और इतने इतने भक्त कितना सुखा हो रखे, ज्यादा रखने चाहिए ना। देखो आपको 5 मिनट की एकादशी कथा सुना देता हूँ, अभी भगवान नारायण और ध्रुव आने वाले हैं, आप एकादशी कथा सुन लो। कल तो मैंने बहुत कथा सुनाई, एकादशी कथा सुन लो। पर ये एकादशी व्रत भगवान कब से रखे हैं? पर एक दिन कृष्ण नारद जी को साथ में भ्रमण कर रहे थे, हठात उन्होंने बड़ी रोने की आवाज सुनी, बचाओ और नहीं। भगवान बोले नारद जी हम कहाँ आ गए? बोले प्रभु नरक में आ गए कि नरक पास में यहाँ पापियों को जम कष्ट देता है। बोले चलो हम देखते हैं, वहां पर जाकर के देखा, वहां पर 84 नरक में जो जैसे जैसे कर्म किया था उसको ऐसे वहां पर दंड दे जा रहे, जो शराब पिए थे गर्म लोहे को गला कर मुंह डाल रहे थे, जो उल्टा सीधा मुंडी देख रहे थे जिंदा जिंदा आग निकाल रहे थे, जो इसने हाथों में हेर फेर कर रहे थे हाथ काट रहे थे, जो जानवर को काटे थे करते उनको भी काट रहे थे, वो चीख रहे थे और नहीं बचाओ। जब भगवान कृष्ण वहां पर गए, अभी भगवान को दर्शन करते सबके साथ मुक्त होकर से वैकुंठ चले गए। भगवान कृष्ण ने कहा नारद जी बताओ आज कौन सा तिथि है? बोले ठाकुर जी आज एकादशी तिथि है। बोले जाओ तुम दुनिया में जाकर के सर्व पर प्रचार करो, जो व्यक्ति एकादशी व्रत करेगा कभी वो नरक में नहीं आएगा। अभी सब लोग एकादशी व्रत करने लगे, एकादशी मतलब 11 से हमारी 11 इंद्रियों को द्वारा क्या करनी चाहिए? ठाकुर का नाम कीर्तन सेवा भक्ति करनी चाहिए। अभी घर घर में कीर्तन एकादशी व्रत, अभी ये तो पाप दुखी पाप जो था दुखी में पड़ गया। जिस घर में हरि कीर्तन एकादशी व्रत, जिस घर में एकादशी व्रत हो हरि कीर्तन हो पाप वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी पाप दुखी होकर के ब्रह्मा के पास में गए, बोले प्रभु मेरे को स्थान को नहीं तो जान से खत्म करो। बोले क्यों? बोले एक राजा आए हैं जिसका नाम रुक्मांगद महाराज, वो स्वयं एकादशी व्रत रहते हैं और सबको भी एकादशी व्रत रखवाते हैं। उनका देश में नियम है जो एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा। पिछले सबके सब देश में एकादशी व्रत रखते हैं। बोले कोई चिंता मत करो मैं व्यवस्था करता हूँ। ब्रह्मा जी एक सुंदर उन्होंने लड़की सृष्टि की जिसका नाम था मोहिनी। सचमुच से वो इतने सुंदर थी ये पृथ्वी में इतने सुंदर स्त्री होती नहीं। बोले पिताजी क्या आदेश है? बोले तुम किसी तरह से तुम ये रुक्मांगद महाराज से शादी करो और उसको घर में जाओ और ये एकादशी व्रत को तुम नष्ट करो। बोले ठीक है। रुक्मांगद महाराज रोज जाते थे जंगल में भ्रमण करने के लिए। जब भ्रमण करने के लिए एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, ऋषि को बोले मेरे को थोड़ा पानी पिलाओ मेरे को प्यास लग रहा है। ऋषि उनको पानी पिलाया। ऋषि इनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाए। बोले महाराज आपको पता है आप ये देश का राजा रानी कैसे बने हो?
आप राजा कैसे बने हो और एकादशी में कहते इतना निष्ठा? बोले नहीं, बोले आपकी पूर्व जन्म की कथा सुनो। पूर्व जन्म में आप बहुत बड़े दुष्ट थे, आपकी जो पत्नी वो तो भैंसिया थी, लेकिन वो थी बड़ी सुंदर, आप उसको प्रेम में पूरा पागल हुए थे। जब वो बैठती थी आप भी बैठते थे, वो जब चलती थी आप भी चलते थे। एक दिन ऐसे हुआ, तुम दोनों को पता नहीं था एकादशी, और सवेरे सवेरे तुम्हारी जो पत्नी की बड़ी तेज बुखार आई, इतने तेज बुखार आए उसमें छटपट छटपट दम लग गई। आप तो उसको बहुत प्रेम करते थे, आप भी उसका दुखी में दुखी बन गई। उसने भोजन नहीं की, आप भी भोजन नहीं की, ऐसे बुखार उतरा नहीं, और बुखार बढ़ते 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 दिन भर रात भर छटपट करते रही, और दूसरे दिन उसने प्राण त्याग की। आप भी दुखी होकर खाना नहीं खाए, और आप दोनों को हो गया निर्जला एकादशी, पूरा निर्जला एकादशी हो गई। महाराज आपने जो एक निर्जला एकादशी व्रत किया था ना, उसका फल से ही आप देश का राजा और रानी बने हो। आपको एकादशी व्रत में इतना जो निष्ठा का कारण यही है, अपने पूर्व जन्म में आप एक निर्जला व्रत किया था। राजा बोले एक अनजान में एकादशी व्रत की इतनी महिमा, उनका तो और निष्ठा बढ़ गई, और निष्ठा बढ़ गई। राजा जब थोड़ी दूर गए, वो मोहिनी को देखो, अपूर्व सुंदरी, मानो स्वर्ग से कोई अप्सरी जैसे मानो उतर करके आई। बोले सुंदरी तुम्हारी नाम क्या है? बोले मेरी नाम है मोहिनी। तो सचमुच से तू जगत मोहिनी हो, लेकिन तेरे को लगता है बैठने पर तुम कुंवारी, शादी नहीं हुई, किसी पति को ढूंढ रहे हो। बोले हाँ, मैं जैसे सुंदरी ऐसे किसी सुंदर पुरुष को मैं ढूंढ रहा हूँ। बोले सुंदरी ये देश का राजा मैं हूँ, शादी करोगे मेरे से? बोले शादी तो कर सकते हूँ, लेकिन ये तो शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले जब मैं जो बात बोलूंगा आपको वो बात सुनना पड़ेगा। बोले कोई बात नहीं, सहधर्मणी बनोगे, धर्म में तो मदद करोगे। राजा पहले बहुत शादी करते थे, पहले भी उनके के पत्नी है, उसकी एक बेटा है जिसका नाम था धर्मांगद। राजा जब दूसरी पत्नी को लेकर के आए, अभी उनको रानी, उनको बेटा ने उनको स्वागत की, लेकिन वो रानी इतने सुंदर थी, वो जब से राजा उसको शादी करके लाए ना, तब से उन्हें राज करते सब भूल गए। दिन भर उसको रूप को बिहार रहते, वो सारे काम को भूल गए, क्योंकि देखने में इतने सुंदर थी। उसने किया कि ब्राह्मण को बुलाया, बोले देखो एक काम मेरे लिए करना पड़ेगा। बोले बताओ। बोले राजा अगर तुम लोगों को पूछे कि एकादशी व्रत किसको किसको करना, तुम लोग गीता भागवत रामायण की बात बताना, उसको छुपा देना, छुपा करके तुम लोग ये बोलना अरे एकादशी जो पूरी हो गई, विधवा हो गई, अगर इच्छा हो तो कर ले, नहीं तो कोई जरूरत नहीं, ऐसे बोल देना। अगर ये बात स्थापित तो हो जाता है तुम्हारी झोली में रत्न में भर दूंगी। बोले महाराज कोई चिंता मत करो, जैसे कल एकादशी, एक दिन पहले दशमी, उनका देश में नियम है हाथी को पीठ के ऊपर में बैठ करके है वो जो जो नागड़ा बजाते हैं है? बाजा बजाते हुए एक दिन पहले वहां पर सावधान कर देते हैं। बोले सावधान कल एकादशी व्रत है, राजा का नियम आदेश है, राजा का राज्य के सब लोगों को एकादशी व्रत रखना ही पड़ेगा। जो राजा का राज्य में एकादशी व्रत नहीं रखेगा उसको मृत्युदंड नहीं तो देश से निष्कासित कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। रानी बोले महाराज ये क्या बात है? बोले रानी मेरे देश में नियम है सबको ये एकादशी व्रत रखना पड़ता है। बोले एकादशी एकादशी कहाँ से आ गई? ये कुसंस्कार, कई शास्त्र में लिखा हुआ ना, ये मनमानी बता रहे हो। बोले शास्त्र में? बोले दिखाओ कौन शास्त्र में लिखा हुआ। बोले ब्राह्मणों गीता भागवत लेकर के आ जाओ, बताओ कहाँ कहाँ पर बताए। लेकिन उनको पता ही नहीं था, पहले ही रानी उनको फटी बड़ा कर लगा ब्राह्मण को। ब्राह्मण लोग तो झूठ मुख का ग्रंथ बोल करके, बोले महाराज कोई जरूरत नहीं सबको एकादशी व्रत रखने का, जो विधवा पूरा बुरी हो गई इच्छा हो तो कर ले, नहीं तो सबको कोई जरूरत नहीं। बोले भैया तुम तो पहले ये बात बताई ना, तुम लोग तो पहले बोलते थे भागवत में अंबरीश महाराज रखा करते थे पत्नी को साथ में,
और भागवत में श्री नंद जसोदा ये एकादशी व्रत रखा करते थे, जिसको रुक्मिणी सत्यभामा की तो अगली जीवन में कृष्ण उनको पटरानी में स्वीकार किया। एक पांडव जला, एक तो पांडव द्रौपदी कुंती के साथ में करते थे, तुम लोग तो बड़ी बड़ी बात बताया करते थे। और एकादशी राज्य में अर्ण में गो हत्या नर हत्या ब्रह्म हत्या का निवास है। और एकादशी कल मैंने बताया था ना, एकादशी कल्प वृक्ष व्रत है, मतलब जो मांगोगे एकादशी करके वही मिल जाएगा। इसलिए मैंने कल बताया था एक एकादशी का नाम काम था, मतलब वो एकादशी करने पर सारी कामना पूरी हो जाती है। एक का नाम अर्ण था, जो एकादशी करने पर घर में मां लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है। एक का नाम है पाप मोचनी, जिसको करने पर पाप नष्ट हो जाती है। एक का नाम है मोक्षदा, जिसको करने पर जीव को भव बंधन से मुक्ति मिलती। तुम लोग तो बड़ी बड़ी बात बताया करते थे, एकादशी जैसे व्रत है ही नहीं, सारे व्रत को अगर एक तरफ कर दो तो एकादशी सारे व्रत से सर्वश्रेष्ठ व्रत है। तुम लोग तो बड़ी बड़ी बात बोलते थे, आज तक बात को पलटा रहे हो। बोले हाँ ऐसे ही है। राजा ने कहा देखो मेरे देश में तो एकादशी व्रत रहेगा। मोहिनी बोली महाराज आपको शादी करने से पहले मैंने आपसे कसम खिलाफ किया थी, मैं जो बोलूंगी आपको सुनना पड़ेगा। मैं कहती हूँ एकादशी व्रत मत रखो, आप मत रखो, फिर तो मैं जा रही हूँ। बोले तू जा सकती हो कोई बात नहीं, लेकिन उसको बेटा था धर्मांगर, वो धर्म स्वरूप है। बोले पिताजी ये शरीर आपसे मिला है मुझे। उन्होंने छोटी मैया की चरण में गिर पड़े। बोले माता जी ये एकादशी का विनिमय में आप जो मांगोगे हम देने के लिए तैयार है, लेकिन एकादशी व्रत नहीं छोड़ सकते। बोले दे सकते? बोले हाँ। बोले बताओ, बोले अगर तुम्हारे पिता माता हंसते हंसते तेरा सर को काट करके अगर मुझे दे दे फिर तुम्हें रह सकती। राजा बोले एक ही बेटा तो भविष्य में राज सिंहासन को संभालने वाले, पिता माता कभी हंसते हंसते बेटा का सर काट देगी? बोले मैं नहीं कर सकता हूँ ये काम, तुम चले जाओ। लेकिन धर्मांगर बोले पिताजी ये शरीर मुझे आपसे मिला है, इसलिए मेरा कर्तव्य है पिता माता की सेवा करना चाहिए। एक दिन तो मरना ही है, अगर ये शरीर से पिता माता की सेवा हो फिर एकादशी व्रत ठाकुर का व्रत रहे पिताजी, इससे बड़ी चीज जगत में कुछ हो सकता है, कोई चिंता मत करो, मेरे सर काट करके दे दो। जब सर काटने के लिए गए भूचाल आ गई, और सख्यात गोलक वृंदावन से सख्यात भगवान नारायण स्वयं वहां पर प्रकट हो गए। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री रूपमांगद महाराज की, सख्यात रूप में ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोले रुको बंद करो बंद करो, इतने में भगवान विष्णु आ गए। बोले हे रूपमांगद महाराज ये एकादशी व्रत मेरी, लेकिन सबसे प्यारा अपना बेटा होता है, लेकिन तुमने एकादशी व्रत के लिए अपना बेटे को भी तुमने तिलांजलि दे दिया, मैं प्रसन्न हूँ, तेरे लिए वैकुंठ से रहता है, बेटा व्रत में बैठो और वैकुंठ जाओ। बोले धर्मांगद तुम भी अपना जीवन को मेरे व्रत के लिए दियो, अभी तुम राज्य तो करो, तेरे लिए भी रथ आएगा। इतने में पाप ने कहा प्रभु मैं कहाँ रहूंगा, मेरे को स्थान और मेरे जान से खत्म कर दो। बोले तुम्हारी स्थान ही कहाँ पर, तुम्हारी स्थान ही। बोले एकादशी का दिन जो व्यक्ति अन्न भोजन करेगा, इसलिए पांच रवि शस्य नहीं लेने चाहिए। पहला नंबर गेहूं, गेहूं से जो कुछ बनता है आटा सूजी जो कुछ बनती है। दूसरे नंबर चावल, चावल में जो कुछ बनती है। तीसरा नंबर जौ, चौथा नंबर जितने ताल, पंचमा नंबर सरसों, ये पांच जो रवि शस्य ग्रहण नहीं करनी चाहिए। और सारे चीज तो आप ले सकते हो, सब्जी तो बताया था जैसे आलू खाओ काशी फल है उसमें, और जितने तरह तरह का सब्जी है पपीता है बहुत सारी सब्जी खा सकते हो, और दूध दही फल फूल तो एकादशी व्रत में सब कुछ खा सकते हो, इसमें खाने के लिए कोई मना नहीं। केवल रवि शस्य के लिए मना की है, हाँ जैसे आप लोग नवदुर्गा व्रत रखते हो, नवरात्रि रखते हो, कौन रखते हो नवरात्रि, सारे को सारे रखते हो, नौ दिन तक रखती है ना। ये जितने व्रत है दुनिया में करते सारे व्रत का फल इकट्ठ कर लो, तराजू लेकर के दूसरे तरफ में एकादशी व्रत रख लो ना, सारे व्रत हल्का होकर उठ जाए। इतने महिमा एकादशी की, इसलिए भागवत में कोई बार व्रत का नाम नहीं, केवल एकादशी कथा आती है। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है
आप सबके सब इसी बात को जो रखे ही रखे और अगली बार भी आप लोग सबके सब श्री एकादशी व्रत आप लोग रखना। मैं तो कल साई की विकाल में बहुत अच्छी अच्छी बात बताया था ये एकादश में क्या साइंस है, कल मैंने अच्छे तरह से बताया था और भी एक दिन आपको कथा सुनाऊंगा। हम भगवान नारायण और ध्रुवा तैयार है ना, एक मिनट। बोले श्री मनु महाराज के कद 6 संतान हुए हैं, उत्थान पाद प्रिय व्रत आसुद देव की प्रसूति। कहते श्री उत्थान पाद के 2 पत्नी है, एक सुरुचि और एक सुनीति। सुनीति के बेटा ध्रुव और सुरुचि का बेटा उत्तम है। देखो उत्थान पाद का मतलब क्या, पाद मतलब होता है तैयार, उत्थान मतलब होता है ऊपर में। आप देखना जब गर्भ से बच्चा जन्म लेता है पहले उसका सर फैलाता है, बाद में उसका पैर आता है। समझो जीव ही हम ही सबके सब उत्थान पाद। हमारी 2 पत्नी है, एक है सुनीति और एक है सुरुचि। सुनीति मतलब जो अच्छी नीतियों को पालन करती है, जीवन में प्रभु की भक्ति नीतियों को जो पालन करे। फल क्या है बोले ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव मतलब सत्य नित्य शाश्वत है। बोले सुरुचि मतलब स्वरुचि, मतलब अपना मनमानी ढंग से करना, शास्त्र ग्रंथ से कोई मतलब नहीं, अपना मन जो चाहे सो करो, उल्टा पुल्टा फिर कौन होगा। बोले उत्तम, बोले भैया उत्तम कैसे हो सकता है, वो करती है उल्टा पुल्टा लेकिन मानती है मैं जो कर रही हूँ ना बढ़िया कर रही हूँ। अब देखोगे लास्ट में फल क्या होता है, कैसे उत्तम भी मरता है और उसको मैया ढूंढने के लिए गई तो आग लग गई तो भी समाप्त। अगर हम मनमर्जी करेंगे शास्त्र नीति को छोड़ करके एक दिन हमें भी मृत्यु आएगी। एक दिन पहले सुनीति की शादी की थी लेकिन जब सुरुचि आ गई ना, बोले देखो महाराज मैं तभी रहूंगी जब आप ये सुनीति को घर से निकालो, नहीं तो मैं घर में रह नहीं सकती हूँ, घर में रह नहीं सकती हूँ, अभी नई शादी है ना इसलिए पहले लग रही है चंद्रमुखी। पहले रानी तो पहले चंद्रमुखी थी, अभी बाद में सूर्यमुखी पर ज्वालामुखी हो गई हुई, अभी अभी नई नई शादी की ना इसलिए चंद्रमुखी लग रही थी। अभी ये चंद्रमुखी जो बोले तो सुनना पड़ेगा। उसने क्या की ये इसकी बात सुनकर उसने घर से सुनीति को घर से निकाल दी, सुनीति को घर से निकाल। देखना जीवन में देखना कभी कभी ऐसे होता है, जीवन में कभी कभी है कभी उल्टा पुल्टा बात सुनकर के हम कभी कभी जीवन में जो नैतिकता प्रभु की जो भक्ति है वो चीज को निकाल देती है। इसलिए घर में कभी कभी सुरुचि आ जाती है, आकर कहती है हम ये भक्ति भक्ति कुछ नहीं मानती, ये भजन भजन हम कुछ नहीं मानती, ये बेकार भगवता बात है, हम क्या करते। उसका प्रेम में आकर कभी कभी जो सुनीति को भी घर से हम निकाल देती है, सुनीति को निकाल दी। एक दिन छोटा बेटा गोद में बैठा था, जब ध्रुव बैठने के लिए गया इतने में छोटी मैया ऐसी गाली बोल देती, बोले तू अगर पिताजी की गोद में बैठना चाहते हो तुम तपस्या करते हुए प्राण त्याग दो और मेरे गर्भ से जन्म ग्रहण करो तभी पिताजी का गोद में बैठ सकते हो। तो क्षत्रिय बचा ना, वो दुखी होकर के मैया को पास में गया लेकिन मैया सुनीति है, बोले बेटा ये पिता कब तक रहेगा, राजा कब तक रहेगा, तो ऐसे एक पिताजी की गोद में बैठो जब कभी तुम्हें उत्तर नहीं पड़ा लाख करोड़ों को तुम्हें प्रेम देगा। बोले माँ को बोले पद्म कोलास लोचना सीखी, तुमने माँ को परिक्रमा की, माँ का आशीर्वाद लेकर उन्होंने भजन करने के लिए गई। लेकिन जब तक कोई गुरु ग्रहण नहीं करते हैं तब तक भगवत प्राप्ति नहीं। अभी ध्रुव इतने व्याकुल हो गया प्रभु को पाने के लिए, जिसको देखे हाथी शेर जानवर क्या तुम ही मेरे पद्म पलाश उनको अभी कहना कहते हैं लेकिन कोई कुछ नहीं करते, क्यों इसके हृदय में ईर्ष्या स्वभाव है। इतने में इतने वैकुंठ में भगवान स्वयं व्याकुल हो गए। माँ लक्ष्मी बोली प्रभु आप व्याकुल क्यों हो रहे हो, बोले एक छोटा बच्चा कठोर तपस्या कर रहा है। बोले प्रभु दर्शन तो, बोले देखो लक्ष्मी भी मैं भी बंदा बड़ा हुआ, क्यों बोले जब तक वो गुरु ग्रहण नहीं करता है तब तक मैं दर्शन नहीं देता। मैं स्वयं बताया प्रथम तो गुरु पूज्यम तथा अर्चनम, पहले गुरु जी की भक्ति फिर मेरी भक्ति। अभी उसने सदगुरु ग्रहण नहीं किया इसलिए मैं जा ही नहीं सकता हूँ। प्रभु आपको इच्छा करने पर सब होता है, बोले हाँ भगवान नारद जी को स्मरण किए, बोले नारद जी उसको अच्छे तरह से परीक्षा करके तुम मंत्र प्रदान करो। नारद जी आकर तो अच्छे तरह से उनको परीक्षा की, बोले घर में जाओ भजन कोई लड्डू थोड़ी,
भैया ने बोल दिया घर वाले छोड़ करके आ गया भजन करने के लिए। अभी कल कूदने का समय था, घर में जाओ भैया तुमको भैया पिताजी ढूंढ रहे। बोले आप कौन हो? बोले मैं नारद हूँ। बोले लगता है आप नारद नहीं हो, आप कोई डुप्लीकेट नारद हो। बोले क्यों? बोले मैंने सुना नारद जी इनका नाम है नारद। नारद मतलब क्या? नर मतलब होता है, द मतलब सबको जो रस दे, नर मतलब होता है ज्ञान, त माने सबको ज्ञान दे, नर मतलब होता है भक्ति, त मतलब सबको भक्ति दे, नर मतलब आसक्ति, द मतलब काटना, जो सभी का आसक्ति को जो काटे हैं। इसलिए मैंने सुना तो सबका भक्ति को उपदेश देते हैं, आप तो कह रहे हो घर में वापस जाओ, लगता है आप कोई डुप्लीकेट नारद हो। अगर आप सचमुच से नारद हो, मेरे को पूर्ण रूप में विश्वास हो गया भगवान हमें मिलेंगे ही, क्योंकि भक्तों का जब तक कृपा नहीं हो भगवान कृपा नहीं करते हैं। आप भगवान के सबसे प्यारे भक्त श्री नारद हो, इनकी कृपा से ही हमें जरूर प्रभु मिलेंगे। बल्कि केवल आप मुझे मंत्र प्रदान कर, देखो मैं क्या करता हूँ। फिर उन्होंने उनको मंत्र प्रदान की, बोले ओम नमः भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमः भगवते वासुदेवाय। यमुना में स्नान करना और भगवान को ध्यान बताए, ऐसे भगवान की भक्ति करना। पहला महीना में केवल पेड़ फल 3 दिन अंतर में खाए, दूसरी महीना में पेड़ से पत्ते जो गिर जाए 6 दिन बाद में खाए, तीसरे महीना में 9 दिन बाद में थोड़ी पानी पी करके, चौथा महीना में केवल वायु 9 दिन के बाद में, पंचवा महीना में वायु भी रोक दी, छठवा महीना में प्राण वायु को रोक दिया तो सारे फल बंद। सारे देवता घबरा गए, प्रभु जल्दी जल्दी जाओ ध्रुव जी को दर्शन है, तो सारे वायु बंद हो गई। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, मैं जा रहा हूँ। भगवान आकर के ध्रुव जी को दर्शन प्रदान करते हैं, ले आओ भाई आ जाओ। बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की, बोले श्री ध्रुव महाराज की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, भक्तवत्सल भगवान की। जब उन्होंने भगवान की दर्शन प्राप्त हुई, भगवान ने कहा जी मेरे से वर मांगो। बोले प्रभु पहले मैं मूर्ख था इसलिए ये राज्य लोग से आया था। बोले प्रभु आपका जो चरण है, बोले स्थानाभिलाषी तपसि स्थितम त्वाम प्राप्तवान देवमनिन्द्र गुज्यम कार्यम विचिन्न अपि दिव्यरत्नम स्वामीन कृतार्थ अस्मि परम न जाते। प्रभु आपका जो चरण कमल है बड़े बड़े देवता ऋषियों के लिए भी दुर्लभ है, लेकिन आज बड़े अहोभाग्य है, आज आपका दर्शन हमें मिल गया। प्रभु मैं धन्य धन्य हो गया हूँ, अभी मेरे को वर की जरूरत नहीं, हमें आप अपना भक्ति प्रदान करो। भगवान ने कहा ध्रुव जी तेरे को भक्ति मिलेगा, कोई चिंता मत करो, कोई चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ मांगो। मैं तो सारा दुनिया बोलेंगे देखो इतना छोटा सा बच्चा भजन किया ठाकुर को दिए नहीं, मेरे खुश के लिए तुम कुछ मांगो। मेरे ठाकुर जी अगर लेना चाहते हो मेरे को एक वरदान दो। बोल क्या? बोले संतों का संग लो। देखो संत संग कितना महत्व है। भगवान बोले जब मेरे में ही तुम्हें दर्शन दे दिया, पर ये साधु संग क्यों प्रार्थना करते हो? बोले प्रभु जी आप तो आपकी कथा नहीं सुनाओगे ना, आपका कथा तो आपका भक्त लोग सुनाएंगे, इसलिए आपकी भक्तों की मुखार बिंद से आपकी कथा रूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है अगर उसमें मैं स्नान करके रहूंगा ना,
मेरे अपनी आप का आपका चरण में अपनी आप भक्ति बढ़ते रहेगी प्रभु। इसलिए आपका संग हमें नहीं चाहिए, आपका भक्तों का संग हमें चाहिए। इसलिए कबीर जी कहते भक्त संत निके संग लागी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी किस्मत जगेगी, संत निके संग लागी तेरी अच्छी बनेगी। श्री भगवान ने कहा ठीक है बेटा, संत का संग मिल जाएगा, और कुछ मांग तुम हमें, और कुछ मांग। बोले प्रभु मांगने का इच्छा ही खत्म हो जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोले मैं तेरे को स्वयं देता हूँ। देखो ठाकुर जी की आती बोले तेरे लिए भी एक वैकुंठ लोक बना देता, दुनिया जब तक रहेगा तेरे को याद करते रहेंगे। ठाकुर जी ध्रुव लोक बना दिए, जिस ध्रुव लोगों को अभी भी हम स्मरण करते हैं, हैं? और तू 36,000 साल तक निष्कंटक रूप में राजत्व तो करो, और उसको बाद तू मेरे पास वैकुंठ में आ जाना। हाँ देखो एक बात अच्छे तरह से समझो, भगवान भक्ति, भगवान कृष्ण राम नारायण की भक्ति और दूसरे दूसरे भक्ति में क्या फर्क है, अच्छे तरह से चीज को समझ लो। अगर आप किसी देवा देवी को उपासना करोगे, बेटा चाहिए बेटी चाहिए धन चाहिए दे देंगे, लेकिन क्या होगा उससे, इतने बंधन में पड़ोगे, बेटा नहीं बेटा नहीं बेटा नहीं, बेटा दो बेटा दो, बेटा ऐसे मिला पिताजी का बात ही नहीं सुनता, और शादी हो गया तो पत्नी एक रात में ऐसे मंत्र दी बेटा को लेकर भाग गया, बेटा बात नहीं सुनता है, पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा दो, और ऐसे पैसा आया बहु बहू में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, माँ बाप तो सुन। ये जो देवा देवी जो चीज देती है वो बंधन का चीज देते हैं, बंधन का चीज देते हैं, लेकिन देखो ठाकुर जी देते हैं, ठाकुर जी देते हैं, लेकिन ठाकुर जी ऐसे चीज देते हैं ना जो कि इसी जीवन जीवन में तो सुखी रहोगे ही, और उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद। देखो ध्रुव, देखो ध्रुव जी जब भजन करने के लिए गया क्यों गया था, भक्ति के लिए नहीं वो गया था, क्यों, मैं अपना पिता माता को मैया को राज सिंहासन में बैठाना चाहता हूँ, मैं राजा बनूंगा, मेरा अधिकार ये छोटा भैया छीन रहा है, इसलिए गया था ना। लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में एक विशेष वस्तु क्या है, जब ठाकुर जी की भक्ति करोगे जब प्रसन्न हो जाएंगे ठाकुर जी, मन हृदय में जो सांसारिक इच्छा वो खत्म हो जाती है, सांसारिक वासना खत्म हो जाती है, उसके हृदय में प्रभु ठाकुर जी की प्रेम को भर देते हैं। इसलिए बोले ध्रुव जी इसी जगत में तो राज तो करोगे ही, और उसको बाद में तुम मेरे पास में बोलो वृंदावन का। इसलिए ध्रुव महाराज जब आए पिताजी उनको राज्य देकर के चले गए, और अभी ध्रुव महाराज जी अभी जब 36,000 साल खत्म हो गई, काल स्वयं आ गया, वैकुंठ से रथ आया है और स्वयं काल भी आ गया लेने के लिए। देखो एक चीज को समझो, बहुत अच्छी चीज बताए, अभी ध्रुव जी रथ में बैठी करके वैकुंठ जाएगा, इतने में उसकी मैया की याद आई, बोले मेरी मैया कहाँ गई, मेरी मैया कहाँ गई। विष्णु दूत ने कहा भैया मैया को क्यों ढूंढ रहे हो, बोले आज जो मैंने भगवान को पाया है ना ये माँ की आशीर्वाद, ये माँ ने ही मेरे को भजन करने के लिए बताया था, बेटा तू भगवान की भक्ति कर, उनकी गोद में बैठो, इसलिए माँ की आशीर्वाद से मैं वैकुंठ जाऊँ, इसलिए मैया को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। विष्णु दूत ने कहा तुम्हारी ऐसे जो मैया बेटे को भक्ति के ऊपर देती है, देखो बेटा कि जो आगे जो रथ है ना तेरी मैया वैकुंठ जा रही है पहले, तू उसको बाद में जा रहे हो, तू पहले नहीं तेरी मैया वैकुंठ जा रही है। बोले क्यों, तेरे को उसने भजन की उपदेश बताई। बोले बेटा जिस वंश में एक भक्ति करने वाला जन्म हो जाए उसकी 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, 21 पीढ़ी उधार हो जाता है। जितने पूर्वज लोग स्वर्ग में हाथ उठा उठा करके नाचने लग जाते हैं, अहो भाग्य है हमारे घर में एक संत जन्म ग्रहण किया, और जो पिता माता उसको जन्म देते हैं वो पिता माता की कोख धन्य हो जाती, पिता माता की कोख धन्य हो जाती। आप लोग ने सुमित्रा का नाम सुने हो, बताओ तो सुमित्रा कौन थी, ये लक्ष्मण की मैया का नाम थी सुमित्रा। देखो कितने माताएं अच्छे तरह से सुनो, लक्ष्मण की मैया का नाम थी सुमित्रा। जब राम सीता वनवास में जा रहे थे इतने में लक्ष्मण सुमित्रा के पास में आए, बोले मैया मेरे को आदेश देते भाभी मैया की सेवा करने के लिए जाऊं।
सुमित्रा इतने प्रसन्न हो गई, इतने प्रसन्न सुमित्रा हो गई। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्र भतीजो भतीजा जसोई रघुपति भगवती जासु सुता होई जो पति जग होई। आप लोग हिंदी समझते हो? कौन कौन हिंदी समझते हो? देखो ये प्यार को आप ध्यान देकर सुना, बोले पुत्र वती जुबती जगस, मतलब है उसी माँ को गर्भ में पुत्र धारण करना सार्थक था। बोले किसको? बोले रघुपति भक्ति जासुसुतो, जिसका बेटा रघुपति का भक्त हुए। दूसरे लाइन में कहती है, अगर बच्चे को तुमने भगवान की भजन में लगा नहीं पाई, वो सुमित्रा कहती है माताएं सब बांझ रहे, वो कहते हैं माताएं तुम लोग सब बांझ रहना, बच्चे को जन्म मत दो, मना कर देती। बोले क्यों बच्चे क्यों जन्म नहीं दे? बोले अगर तो बच्चा भक्ति करेगा तो तुम्हारी उद्धार होगी, अगर बच्चा गलत रास्ता में गया, शराब पिया, मांस खाया, जुआ खेला, उसका पाप भी तुम्हें लेना पड़ेगा। जैसे पुण्य हो गया ना, उसका पाप भी तुम्हें लेना पड़ेगा। इसलिए शास्त्र ने कथा आई, बोले एक योगी ने कभी एक स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया और अपना सिंहासन में बैठा, अप्सरिया सेवा कर रही थी, लेकिन वो बैठ बैठ कर रो रहा था। वो जोगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य करके स्वर्ग में आया, रो रही क्यों, वो बेहस क्यों हो रहे हो? उसने कहा, मैंने तो बहुत पैसा दान किया इसलिए मेरे को स्वर्ग मिला, लेकिन एक गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने सदमार्ग नहीं दिखा पाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उसमें शराब पैसा से पी रहे, पैसा से जुआ खेल रहे, मांस खा रहे, चूंकि पैसा मैंने रख करके आया था वो पैसा मेरा है और मेरे पैसा को गलत काम में लगा रहे थे, उसका पाप मेरे को तो स्वर्ग नहीं छोड़ा। ये कर्म फल इतने जोर जबरदस्ती है, इसलिए जितने माता है और जो भाई लोग यहाँ पर आए हैं, पिता लोग कोशिश करो स्वयं भजन करे, स्वयं गीता भागवत पढ़े, स्वयं भगवान की भजन करे, क्योंकि पहला गुरु पिता माता। फिर आप बच्चे को बोल सकते हो बच्चा भजन करो। देखो अभी जो हमारे जो परिवार है, जो भजन मोहनी उनको जो पिता माता बैठे हैं और उनका जो परिवार, देखो ये पूरा का पूरा परिवार भजन करे, तिलक लगाए, गले में तुलसी कटली, उनका बहुओं को देखो तुलसी कटली पहनी, तिलक लगाए उनके पिता माता, और उन्होंने एक एक बेटा उनकी आया, वो छोटा बेटा आया भक्ति में और उन्हें पूरा परिवार हमारे साथ में ही, ये धन हमारे साथ में जाएगी। इसलिए यहाँ पर कहीं कहीं हम लोग बैठे हुए पांच से छह लोग बैठे हुए, अगर इतने लोगों में हरिनाम करिए ना, इनका नाम का आवाज सबको कान में जाएगी, सबकी कान में इनका आवाज जाएगी। तब जा तो एक माला तो करोगे, लेकिन आपको माला कितने करने का फल मिलेगी? कितने लोग हरिनाम कर रहे हैं ना, इनका हम जो आज आपको नाम पर 6 लाख रुपया आपका बैंक में फिक्स डिपोजिट हो जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं वहाँ पर 6 लोग पहले बैठे हुए सभी का काम आपका काम हो जाएगी और भगवान के नाम जब यहाँ गूंजेगी इसकी आवाज कितने दूर तक जाएगी, सारे पाप खत्म हो जाएगी, ये शहर से सारे पाप खत्म हो जाएगी। क्यों? भगवान का नाम मंगल भवन है, मंगल है। ये माला सुनते हैं, हरे कृष्ण हरि बोल, हर माला दे दो सबको। तुम क्या कर रहे हो? बच्चों को मत दो, बड़े को दो। हरे कृष्ण आप मत लो, जाएगा तो अच्छी बात, जो नहीं जाएगा जिनके पास है उनको मत देना। जब करना मेरे साथ में जब करना, उनको फल मिल जाएगी, कोई चिंता मत करो। हरे कृष्ण जो माला है आपको लेने के लिए नहीं दे रहा हूँ, जब करके मेरे को वापस दे जाना, मेरे को वापस दे देना। जब 5-6 दिन खत्म हो जाएगी फिर आपको
हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण वृंदावन में श्री बांके बिहार जी की चरण में हम बैठे हैं। इसी भाव से हरे कृष्ण मतलब कल मैंने बताया था हरे मतलब होता है जीवन में जितने दुख कष्ट को जो हरि इसलिए उनका नाम हरि है। कृष्ण मतलब मन बड़ा चंचल है इधर उधर भटकता है। कृष्ण नाम लेते ही मन कंट्रोल हो जाता है। स्ना मतलब आनंद कहते हैं। राम मतलब इसमें तीन नाम है। राम मतलब है सभी के हृदय में जो रमण करते हैं और जीवन में हमें जो आराम देते हैं। इसमें तीन नाम है और ये जो तीन का जो अर्थ है और नाम करने से तीन चीज आपकी प्राप्ति हुई। इसलिए सबके सब मेरे साथ में करो बोला हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। मैंने कल बताया था जिनको पास में माला अच्छी बात जब नहीं गई तभी करना क्योंकि जो लोग यहाँ हरिनाम करेंगे इनके सारे पाप ऊपर उठ जाएंगे लेकिन जा करके बैठेगी कहाँ जो नहीं करते ये सबका पाप उनको सर पर बैठ जाएगी। इसलिए सबके सब माला जप करना ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे माला पूरी होगी एक माला पूरी होगी कि नहीं अभी नहीं हुआ आप कर रहे हो कि नहीं कहाँ है माला कितना बाकी रह गया हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एकादशी की ना नियम होता है दूसरे दिन व्रत खोलनी चाहिए जैसे 9 बजे से अंदर 9 बजे को अंदर में सूर्य उदय के बाद में जैसे ठाकुर जी को थोड़ा भोग लगा करके रोटी हो चावल हो हा? हा? हा, हरे कृष्ण एक बात सुनो कल एक विशेष है 7:20 को अंदर में 7:20 को अंदर में व्रत खोलने का समय है उसका अंदर में रोटी हो नहीं तो चावल हो ठाकुर को भोग लगाकर खाना फिर आपको पूरी व्रत रखने का फल मिलेगा। और हम लोग जो लोग व्रत रखते हैं आपको हम एक छोटी छोटी पुस्तक देंगे जिसमें लिखा हुआ था एकादशी दूसरे दिन कैसे व्रत करोगे आपको हम पुस्तक देंगे आप लोगों को ले जाना हम आपको कथा को बीच में आपको दे देंगे ठीक है। हाँ हम लोग सवेरे इनके घर में हम क्लास करते हैं जैसे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक अगर इसकी इच्छा हो सुनने के लिए आप इनके घर में आप आ सकते हो और अगर इच्छा हो आप लोग घर में बुलाना चाहते हैं बुला सकते हो हम आप लोगों को घर में आ सकते हैं 1-2 घंटा के लिए आ सकते हैं क्योंकि घर में जब भक्त लोग का कीर्तन करे फिर घर का मंगल होता है घर का पाप नष्ट हो जाती है। अभी आप लोग सबके सब खड़े हो जाओ माला सबके सब वापस कर दो माला कोई लेना नहीं पाप लगेगा बोल दो सारा माला आप वापस करो और खड़े हो जाइए अभी प्रभु जी एक भजन गाएंगे भोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री महाराज की जय जय
Oh,
पास निकले और पीछे से वैसे गए। एक बार हाथ उठाए सभी लोग, हाथ उठा कर क्या बोलना है आपको है? क्या बोलना है? राधे राधे। सभी हाथ उठा कर क्या बोलेंगे? जोर से भी बोलो, क्या बोलोगे? पीछे हट जाए, उनको असुविधा होती है आरती करने में, उसके बाद सब लोग करेंगे। मुख्य यजमान को पहले आरती करने Thank you.